शहर हैदराबाद है। हैदराबाद की बिरयानी, लखनऊ की शेरवानी और मुंबई की परेशानी बहुत मशहूर है, ये तो सुने होंगे ना आप लोग। मुंबई में गरीब हो या अमीर, पैसा कमाना बोल के रात दिन मशीन की तरह कामा काजा करके परेशान रहते हैं। वैसे आजकल अपना हैदराबाद भी मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जैसे मशहूर शहरों से कुछ कम नहीं। पहले यहाँ के नवाबा आधा दिन गुजरने के बाद उठकर कामा काजा करते, मगर अब यहाँ के लोगों में भी अकल आ गई। अब यहाँ के लोग भी रात दिन मेहनत करके इजी मनी कमाना बोल रहे हैं। शहबाज, आमिर, मुनीर, ये तीनों भी एक दिन टाटा बिरला, अंबानी, किर्लोस्कर और लार्सन टोब्रो जैसे बिग शॉट बनना सोचते हैं। ना तो सोचने से कुछ होता और ना खावा देखने से कुछ मिलता, कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता। शहबाज, मुनीर और आमिर की आवारागर्दी मारपीट से तंग आकर इंस्पेक्टर कृष्णा रेड्डी शहबाज के बाबा जकी खान को अल्टीमेटम दे देते। अरे रुको यारो, ये क्या, मैं तो तुम लोगों को पूरी कहानी सुना दे रहा हूं। चलो आगे चलकर देखते हैं इन तीनों की जिंदगी का हाल। तुम्हारा लाडला? क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर कृष्णा रेड्डी का फोन आया था, वो बता रहा था कि तुम्हारा लाडला आवारा दोस्तों के चक्कर में आकर खुद भी गुंडागर्दी कर रहा है। न पढ़ाई है, न लिखाई है, न ही अपने बाप के कारोबार में दिलचस्पी। वो बिना मेहनत के रातों रात इजी मनी कमा कर करोड़पति बनना चाहता है। करोड़पति बनने के चक्कर में वो शहर के बड़े बड़े गुंडे और पहलवानों की नाक में दम करके रखा है। उससे कह दो अगर इन हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो, शहबाज हमारा इकलौता बेटा है, अगर उसने सुन लिया तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। पहुंचती है तो पहुंचने दो, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अगर वो इस घर में रहना चाहता है तो इंसान बनकर रहना चाहिए। जिन बदमाशों के बलबूते पर वो चक रहा है, बाहर की धूप, भूख और प्यास उसके होश ठिकाने लगा देगी। ये आपकी गलत फहमी है डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बहुत गुरूर है ना अपनी दौलत, बंगला और कार पे। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी दौलत, बंगला, कार, और इसी वक्त मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। बरखुरदार, तुम अपने बाप को धमकी दे रहे हो। डैड ये धमकी नहीं, बुलंद इरादे रखने वाले बेटे का चैलेंज है। एक दिन देखना, जरूर बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। तो ठीक है, तुम अभी इसी वक्त घर छोड़कर जा सकते हो। क्या हो गया आप लोग, और आप कोई इस तरह से बात करता है क्या अपने जवान बेटे से? जवान बेटा जब बाप के सर पर गंदगी करने लगे तो कोई बाप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही पहचाना आपने, मेरी रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है। जो इंसान बीज बोता है उसी का फल उसे मिलता है। सच में मैं आपका बेटा हूँ तो? What do you mean? कोई बेटा अपने बाप से इस तरह से बदतमीजी करता है? सच कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू, तू बहुत जबान दराज और बागी हो गया है। अब इसे डांटने से कोई फायदा नहीं है। जब वो तुम्हारी परवरिश में पल रहा था, तुम इसके मुंह में ममता के लड्डू भर रही थी। अब ये बहुत आगे निकल चुका है, जहाँ से उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। इसकी बातों से बगावत की बो आ रही है। ठीक है अम्मी, अगर आपकी भी यही सोच है तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, अपने अब्बू से माफी मांग। नहीं, ये माफी के काबिल नहीं है, जाने दो उसे।
चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। चार दिन घर से बाहर रहेगा तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे और दालाटे का भाव मालूम हो जाएगा। बरखुरदार बदन के जोड़े से घर से जाना होगा, न कार न बाइक। ठीक है डैड, बाय, खुदाफिस। प्लीज उसे रोक लो ना, सुनिए ना। नहीं शहबाज, नहीं शहबाज। अरे ये इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी, आपने को अल्टीमेट वार्निंग दे दिया बाप। अगर आइंदा ये बस्ती में अपन चिल्लर हरकत ऐसे वैसे काम करे समझ, कोई भी बड़े केस में डाल के उन्हें अपने को लंबा चंचलगुड़ा जेल में डाल के फंसा देता बाप। सही बोल रहा हूँ बाप, मैं भी कुछ ऐसी सोच रहा हूँ। अब शबाना के साथ शादी करके नवाब साहब के घर का दामाद बन जाना बोल के बोल रहा हूँ बाप, घर जमाई जैसा। अब नहीं होता बाप मेरे से। तू ससुराल में जाके फुकट के रोटियां तोड़ के घर जमाई बनने का सोच रहा है तू? रोटी तो मिलती वहाँ पे। वो फकीरा देख वहाँ कैसा बैठे हुए, हालत देखे तो सीना संदूक जी बंदूक, ऊपर से मिथुनदा का गाना गा रहा उन्हें। उन लोगों भी कान धंधा कर लो बन। कानों में पुंगे लगा के खाली गाने सुनते रहते, बेकारी के जमेदार इन लोगों को काम पे लगा रहे भाई। तेरे को बोले तो कुत्ता कुत्ते की धुन को बोला। अरे अन्ना आ गया, अरे जाके देख नाक में दम। अब क्या करिए बाप? एक मिनट ठहर, जरा ठहर। बैलेंस है? अरे शाम में इजी रिचार्ज करा रहे भाई। इसको टोपी डाला के हेलो हेलो शेबस कहाँ है तू? मुनीर मैं चार मीनार के पास हूँ, क्यों क्या हुआ बोल? अरे राजन अपने आदमियों के साथ अड्डे पे आ गया बाप। अरे जल्दी आ रे भाई, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आ रहा ना? हाँ साला राजन अन्ना तो चल चल। सिगरेट आला बोला इतना मोटा है क्या तकिया ये? अरे शेबस कहाँ है रे साले? तुम लगा मेरे पैसे देते नहीं देते रे? तू ऊपर है नीचे? नहीं तो मैं चुप रहा हूँ। देख हट ओ भाग चल। ए सब लोग एक बात सुन लो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा। अन्ना मेरे बीच में कोई नहीं आना, मेरा दिमाग खराब है आज। अगर उन लोगों पैसे नहीं दिए ना, उन लोगों के पैरा हाथा तोड़ दो तो। अरे अल्लू बोल रहे, आजकल जमाना ऐसा चल रहा, पैसे दिए तो मोहब्बत से लेना पड़ता, अगर शेबा सुन लिया ना फूके तो गिर जाएगा तू। मैं उड़ने से पहले 2-3 के गले में अंतरिया डाल लेके उड़ जाता हूँ। सही बोल रहा। 4 फुल मटर, 4 हाफ मटर छुपीच नहीं करो। अन्ना अम्मा ऐसा नक्को पुकार रहे, मेरे को डर हो रहा। तेरे को जितना बोला ना उतना ही काम कर, एडवांस के बाद आ। चल खोल। अन्ना तुम दूसरों का गुस्सा मेरे पर कहीं को उतार रहे ना। बैठ। ए नसीर। हाँ ना। किसको भी ऊपर आने नको दे रहे। ठीक है ना। आओ भाई। चल। तेरे को बाजार घाट चौरस्ते पे साले ऐसा मारूंगा तेरे। क्या रे कहीं को है तुम्हारा इधर? हाँ कहीं को आए? हाँ कौन है रे? शहबाज भाई अन्ना पैसे तो क्यों बुलाया? आज हमारा पैसा देता बोलता हम लोग आया। शहबाज भाई अगर तुम भी हमारे को पैसे दे रहे हो तो राजा अन्ना का काम पहचान देता हूँ। हाँ अन्ना किधर है? ऊपर है भाई। क्या बात है आज बहुत गुस्से में? घर से लड़ कर है क्या? हेलो तरबूज के छिलके। साले मेरे को पैसे देने का छोड़ के रुबाब से सोना भी सीख रहे तुम लगा? मेरे को क्या बोलते मालूम? नहीं मालूम। राजन। ऐसा राजन अन्ना बोलते। क्या करना? मेरे पैसे अगर तुम लगा नहीं दिए यहाँ से घुस के वहाँ से निकल जा तुम। अन्ना एक मिनट, यहाँ से घुस सकते तुम? वो उसका काम है। अन्ना अपना लेन देन का मामला तो चलते रहता, ऐसा गर्म हुए तो कैसा कुछ भी ठंडा तेल लगाओ सिर को।
पहले तू हट। अन्ना को बोलता हूँ। चल। ए, क्या हुआ रे? अपने आप को सलमान खान समझ रहा? इतने जने डरने और आ रहे तेरे को? ए, लड़ता रे? वो तो चल रहा रे कार्टर पिंटो। अहमद भाई। तेरी की तो गहरे साले तुम्हारे। अहमद भाई, इसको तो मैच काफी हूँ। पूरे हट जाओ रे पीछे। ए, अरे कुछ भी नहीं शहबास, हम लोग अन्ना के साथ में ठाकुर गब्बर खे रहे थे। हट रे जुंगुर। शहबास गलत कर रहा तू। राजन अन्ना एक शहर में रहके एक बस्ती में रहके ऐसा लड़ लिया तो अच्छा रहता। राजन अन्ना समझा रे। वो बात पहले से बोलना था तू। मेरे भाई को कहीं कुमारा देख कितना खून जा रहा। क्या खाया रे नाश्ते में? तला ले खून। मैं एक काम करता हूँ, मेरे गैंग में से इन लोग हटा देता हूँ। पहले स्कूल लेके जा रहे हैं आज के बुके रानी की दुकान पे बैठो दाल चक्कर बेचते हुए। मैं असिस्टेंट हूं ना, राइट हैंड। मेरे गैंग में आ जाओ तुम लोग। अन्ना चट्टी पहन के तो चलता ना। नहीं पहनता। राजन अन्ना शेर की सवारी करने के खाबा नखो देखो, वरना एक दिन शेर के जबड़ों में जाते। हाँ अगर सौदा करना है तो बोलो, एक जबरदस्त पार्टी तैयार है। सौदा? अन्ना मुगल सल्तनत की एक कीमती तलवार है जिसको एंटिक बोलते। पार्टी साली 1,00,000 रुपए का डिमांड कर रही। अगर तुम ले लेंगे ना तो धूम मचा देंगे तुम। तलवार? वो तलवार तो म्यूजियम में लगाई नहीं। अन्ना ऐसे कई किस्म के तलवार आए, कहाँ कहाँ के इस्तेमाल होते रहते। वो तलवार तुम ले लो, बहुत लंबी रहती। कई को बोलो तुम्हारी छोटी चाकू है ना। ये बम और बंदूक के जमाने में ये तलवारा क्या काम में आएंगे रे? बहुत है खरीदने वाले। 5,00,000 की पार्टी तो तैयारी से। तुम्हारी कसम। सही बोल रहा तू। अन्ना हम लोग झूठ बोलने वाले की मौता में नहीं जाते। राजन अन्ना हम लोग झूठ बोल के लुपा डुपी करने वाले होते या गलत तरीके से किसी को लूटने वाले होते तो क्या लूट सकते? अब तो मेरे को तुम लोग के ऊपर भरोसा आ गया रे भाई। सूरत से इतने भोले दिख रहे तुम लोग। हैदराबाद वही बोलता। पहले ये बोलो मेरे को तलवार कैसे लेना, किधर से लेना? कल सुबह जाना है ना, कल तुम 4,000-5,000 रुपए ला लो तुम्हारी फूटी अलमारी में से। ओ कब देखा तू? तेरी हालत देख के अंदाजा लगाया। आ जाओ दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम पठान। सलाम। आओ आओ अंदर आओ। आ जाओ साले को। आ गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। सबर करो। ओए साले की जान, ये वो तलवार है जिसे हिंदुस्तान के मुगल सल्तनत के सिपे सालार जब मैदान में लेकर उतरते थे, वल्ला कसम सेंचुरी मारे बगैर पवेलियन से घर नहीं लौटते थे। ये तलवार इतनी नरमी से गर्दन काटती है कि मरने वाले को खुद पता नहीं चलता कि वो मरा कब और उसकी गर्दन नीचे कब गिरी। यकीन नहीं आ रहा तो कोई एक अपने आप गर्दन आगे करिए। ये राजा नाना गर्दन पे चक करेंगे इनकी मोदी। कबूतर पठान पठान अगर आप बोले तो ये सही से मैं ये तलवार देख सकता हूँ। ये आप लोग के लिए ही तो बनाई हुई तलवार है। गाले में आ गया ओरिजिनल है। अन्ना इसके पकड़ो, हाथ कट जाएंगे तुम्हारे। जानी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, सर कट जाए तो दम निकल आता है। खान साहब इनु बच्चे नहीं है, सौदागर है, तलवार खरीदने आए हैं। आजकल चोरों और सौदागरों के चेहरों में फर्क नजर नहीं आता। कर दिया ना राजन अन्ना हमारी इज्जत का कचरा, इसलिए बोल रहे थे नको चलो बोल के तुम्हारे को। और अगर अब इज्जत रख लेना है तो निकालो पैसे और दे दो पठान को। हेलो पठान, इन लोगों के साथ चिंदी चोर नहीं हो तू? मैं खानदानी पैसे वाला हूँ। मैं भी ये लो पैसे दे, तलवार ऐसे अपने तो ये तलवार से तुम्हारी। क्या हुआ पठान, इतनी हल्की है तलवार? ना तलवार कभी भी याद रखो, बैट अगर वजन रहा तो छक्के ज्यादा गिरते, तलवार अगर हल्की रही तो गर्दन ज्यादा गिरते। वो डायलॉग नहीं सुने अकबर बिन तबर, खुदा ले अच्छे अच्छों की खबर, 6 जख्मी और 5 मर्डर, उनके बाबा रात तमाम तलवार तेज करते थे। ये वो तलवार है
मामा की पिक्चर में। हाँ ओए लालेदी जान, अगर उंगलियां ही गिराना है तो यहाँ नहीं, बाहर जाकर गिराओ। राजन अन्ना जल्दी चलो, अंग्रेज वेट कर रहा हूँगा। चल रहे चल रहे चलते हाँ, मिलेंगे फिर। और चल भाई चल। अफरोज अच्छी एक्टिंग करा बाप, पैसे संभाल के रख और ये ड्रेस भी वापस करने का है। फिल्मों में चांस दिला दूं तेरे को। अच्छी होटल में इंतजार कर रहा अंग्रेज। चलो देखेंगे। सितारे चमके सर का दिख रहा। सावले को मारू भाई, यहाँ फारन का एक बिलावड़ आने वाला था। कहाँ है? अच्छा यहाँ है, मुंह को छुपा के बैठा है। Indian people very lazy, very poor people. Actually, Indian people, Hyderabadi people is a very strong and faladi people, you know. Oka. किसको बोल रहा भाई? Indian people is a poor people. Yes. तेरे को मालूम है हमारे ministers के पास जितना पैसा है, शायद ही तेरी country में भी उतना पैसा नहीं होगा। Hey man, time waste मत करो। मगोल सल्तनत लाओ और cash ले जाओ। Very nice. This is the Mughal Emperor Talwar. Wow, nice piece. Very nice piece. प्याज भी काट सकते इसे। Good. अरे मैं इसको पहले कहीं देखा रे? Hey man, तुमने किसी दूसरे अंग्रेज को देखा होगा? अरे राजा नन्ना, ये अंग्रेज हम पूरे एक ही गोरी चमड़ी के नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ, सही रे। अरे राजा नन्ना, जान दो, छोड़ो ये पंचायत, अपने को पहले काम करना है। What the hell are you talking? अरे राजा नन्ना, वो सब तुम्हारे को कहीं को तलवार दियो और पैसे लियो। जरा पैसे दिए तो चले जाते था। बहुत मजबूत रहती नहीं। फ्रॉड नहीं, यही फ्रॉड है। बेतान एम्बेसी को कॉल करेगा और तुम सबको जेल में बंद करवाएगा। अम्मा चंचल गुड़ा, वी आर पुअर पीपल, हंग्री पीपल। पठान का बच्चा हमको धोखा दिया सर, सॉरी सर। हाँ साहब, पहली बार जिंदगी में हम लोग कुतिया बन गए। मैं तो नील कटर खरीदे तो भी उससे नाखून काट के देख के टेस्ट करके खरीदे सब। काश ये तलवार को राजा नन्ना की गर्दन पे आजमा लेते थे। क्या बोला? अरे अन्ना तुम फिकर कैको कर रहे, और ये खरीद लेंगे अपन। तुम्हारी चिच्चा की जागीर है। अरे अन्ना उन्हें मजाक कर रहा, तुम कहीं को टेंशन ले रहे। अन्ना पैरा पड़ के खत्म करो। सॉरी साहब, सॉरी सारा बोल ले रहा हूं। मेरे पैर मत छुओ। अरे तेरे पैर नहीं पड़ रही, मेरी सनी लियोन नीचे गिर गई थी, उसको उठा रहे थे। सॉरी मैडम। अरे राजा नन्ना, उन्हें एनआरआई छिलका कुछ भी कर सकता, पैसे दे के छुटकारा ले लो। मेरी मार ले तुम लोग, पब्लिक में अच्छा ना रहता। सदका है मेरे ऊपर से तेरे को ये। Very nice. अरे राजा नन्ना तुम चलो जी, तुम टेंशन के क्यों ले रही? चौक में बहुत है पुरानी तलवार, चलो खर्चा नहीं करना इसमें से, समझा? ये चट्टी यार से यहाँ तक ला ले, खर्चा कर। अरे जल्दी और बिरयानी बिरयानी नको खा जा, इससे मेरे को ऐसा पैलेस खरीदना है। अच्छा बेवकूफ बनाया बाप, पार्टी करेंगे और पब को जाएंगे। पैसे लाओ। कैसी एक्टिंग करा हुई? अच्छी करा, ले 500। 500? पहली बात तो तेरे को 300 रुपए देंगे बोल के बोला इसको, 500 रख ले खामोश। जाने के पेट्रोल के पैसे भी नहीं है। ले 500। बस हो जाते तेरे चट्टी के हिसाब से। भाई 5000 देना था, मैं आज डेट पे जाने वाला था ना। ये पेट लेके डेट पे नहीं जाते। खत्म, महीने भर का राशन डाल लो तुम। 500 दे के क्या बना दिए रे लोग। हिना और शबाना दोनों कान खोलकर सुन लो, ना अब्बू से बैल कटेंगे, ना खैरात बटेगी, ना नौमत तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये मशहूर कहावत है, जिस तरह भाईजान ने मेरी जिंदगी अपनी जिद और अना के आगे खराब कर दी, उसी तरह तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उम्र ढलने के बाद अच्छे रिश्ते तो दूर की बात है, रिश्ते ही नहीं आएंगे। तुम तो जानती हो ना अब्बू की फितरत, हमने कुछ गलत कदम उठाया तो अब्बू पूरा घर एक कर देंगे, फिर अम्मी पर फिर मुसीबत आ जाएगी। तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे तुम्हारी मर्जी। फिर नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं। लेकिन अगर हमने शादी कर ली तो आप तो जानती है ना अब्बू का गुस्सा, वो हमें घर में नहीं रहने देंगे और हमारे साथ साथ आने वाले दामादों को भी जलील करेंगे। थोड़ी देर की जिल्लत से तो जिंदगी भर का दुख कम होता, मैंने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो उस गलती की सजा आज मैं नहीं भुगतती। ओके, आपकी बात मानकर मैं ही पहल कर दूंगी। मैं मुनीर से कह दूंगी, आज ही खाजी से बात करके चेक मंगनी पट बिया कर देंगे। ओहो बाजी, तुम तो बड़ी तेज निकली, एक बार ही फूफी के पूछने पे तुमने अपने आशिक का नाम और पता बता दिया। शाबाश, इसी तरह हौसला और हिम्मत रखना, अपने मकसद में कामयाब होगी। चलो।
उसकी दौलत में अकलमंद का हिस्सा होता है कहते। राजन बेवकूफ नहीं है, बदमाश और शाना भी है, उन्हें हमेशा मुर्दों की दौलत पे भी नजर रखता रे। हाँ उसे 2-4 लाख में क्या फर्क पड़ता है, उसके पास तो बहुत पैसा है। यस चलो भाई, शादी का तो खर्चा निकल गया। बाप तू ऐसी कोसी बारात लेके जाके शादी कर रहा रे जो ऐसा तन रहा तो। अरे मुनीर तेरी साली बहुत अच्छी है रे, मेरे वास्ते बात करना। औकात देखो रे अपनी, औकात देखो। नवाब अशफाक खान के पास तुम जैसे 10 नौकर आए वहाँ पे शादी की बात कर रहा। ऐसे 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 है। अरे तू वो घर का दामाद बनते हुए देख के इसका भी दिल उतावला हो के दिमाग खराब हो रहा रे। तू गलती करा बाप, तेरी साली से इसको मिला के तू वो घर वालों की काम वाली से भी मेरे को नहीं मिलाना अब तक। तेरे को काम वाली भी नहीं जमती रे, काम में आई तो बस है उन्हें। मगर जान दे रे बाबा, मेरी तो भी शादी हो गई, बादशाह तुम लोग क्या करते कर लो बाप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मगर सुन लो जरा एक बात, कल खाजी बद्रुद्दीन के पास सुबह में 10 बजे मेरा निकाह है, तुम लोग कैसा भी आ जाना। अरे बिसांदे ना क्या रे तू, जांगे अपन उन्होंने तो हिलते रहते पांव, लंगोट बने हुआ रहता रे। सलाम अलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटे, जीती रहो। सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अरे भैया क्या चक्कर है, दुल्हन जैसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हूँ मैं? जी वो क्या है ना अबू, आज कॉलेज में ड्रामा है, उसमें मैं दुल्हन का रोल प्ले कर रही हूँ। बेटे तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है ड्रामे में? मैं तो गवाह हूँ अबू। मेरा मतलब है मैं ऑडियंस में हूँ अबू। अच्छा तो तुम ऑडियंस में बैठ कर ड्रामा देखोगी? ओके ओके, मुझे भी आके बताना इसने कैसी अदाकारी की है। हा? और आप खाली खाली बैठ के घर में क्या करती हो फौजिया? बच्चियों के साथ आप भी चली जाओ। जी भैया ठीक है, चलो घर जल्दी आ जाना, तेरा काम तो बन गया, चल जल्दी चल। अरे मियाँ आज के दिन तो कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना था ना मियाँ। हाजी साहब हाँ? ये लेटेस्ट जमाना है, ये व्हाट्सएप फेसबुक के दौर में अब ये शेरवानी कुर्ता पैजामा क्या जरूरत है, ये कपड़े नहीं है क्या, ये ब्रांडेड है खाजी साहब। वैसे भी खाजी साहब शेरवानी सिला लिया उन्हें, वो टाइलर आई दी रहने की वजह से टाइम पे नहीं दिया, शाम में दे देता, घर को जाके पहन लेगा उन्हें। क्या है कि मियां घर से भाग के शादी कर रहे हैं शायद? आपको कैसा मालूम? एक भी बड़ा बूढ़ा नहीं दिखा तो नहीं मालूम होता। अरे जाओ मियाँ जाओ, जाके किसी बूढ़े बड़े आदमी सरपरस्त को लेके आओ, नहीं तो निकाह नहीं होता। हाजी साहब ये निकाह नहीं पड़े तो ये दोनों बगैर निकाह के हनीमून को चले जाते और इसके जिम्मेदार आप होते, इतना बड़ा गुनाह मिलता खाजी साहब। लाहौल वाला खुवत, ये आजकल की नई नस्ल तो मियाँ शैतान के चेले हो गए। खाजी साहब सब थूक दो उन्हें, मंजा बैठे जब से उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, हम लोग छे जो भी है उसके दोस्ता कर दीजिए बिस्मिल्ला। अच्छा तो ठीक है मियाँ लाओ। अरे कुछ तुम लोगों का उम्र का सदाकत नामा या कुछ आईडी कार्ड है भी नहीं है? निकल निकल, ये मेरा ये इनका। खाजी की फीस कौन देगा? यार खा देगा। अब पहला गवाह कौन है मियाँ? आमिर खान। अरे ये पहला गवाह आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये दूसरे गवाह में कौन साइन करेंगे? अरे लाहौला वाला हुआ था। अरे मियाँ औरतों की नहीं चलती सिग्नेचर। शेबस तू कर दे, तू भी पढ़ाना 5 क्लास। हाँ आइए। हाजी साहब आपसे कुछ निकाह पड़ा है तो कुछ ऑफर है क्या? काय का ऑफर मियाँ? बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा ना। लाहौला वाला अरे मियाँ ये कपड़े की दुकान है, बाय वन गेट वन फ्री कहते फ्री। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारा और हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो चुका था जब तुमने किसी घटिया खानदान की लड़की के साथ शादी की थी।
भाई साहब ये फिरौनियत छोड़िए, किसी को भी अपने खानदान के बलबूते पर इज्जत नहीं मिलती, जो भी मिलती है अपने बलबूते पर मिलती है। और आज आप जिसे एक घटिया खानदान की औरत समझते हैं वो एक आईएएस अफसर है। अफसर हो या कोई हो, हमारी बराबरी तो नहीं कर सकती ना। ले जाओ अपनी बीवी को अपने साथ, आइंदा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं। भाई प्लीज चाय पी के तो जाइए। भाभी इनके गुरूर का इससे बुरा नतीजा और क्या हो सकता है कि हमारी बहन बिन बिहाई बैठी हुई है। उसकी जिंदगी तो आप बर्बाद कर चुके, अब खुदारा अपनी बेटियों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि एक बेटी के बाप को इतना गुरूर अच्छा नहीं। भाई साहब ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं, भले ही मेरी बेटियां कुंवारी रह जाएं, लेकिन नवाब अशफाक अली खान अपनी बेटियों के शादी के सिलसिले में मखमल में टाट का पैवल लगने नहीं देगा, समझी आप। अस्सलामुअलैकुम। लगता है ड्रामे में अव्वल आई हो, मगर ये ड्रामे के कपड़े और ड्रामे के अदाकारों को यह हलाने की क्या जरूरत थी बेटे, वहीं छोड़ाते। अब्बू ये ड्रामा नहीं हकीकत है, मैंने मुनीर से शादी की है। क्या शादी, और इससे? ये लड़का तो सूरत से ही आवारा बदमाश और सड़क छाप नजर आता है। नवाब साहब मेरे को आप भी कोई असली नवाब नहीं दिख रहे सूरत से। बदतमीज, ससुर के साथ जबान लड़ाता है। मुबारक हो नवाब साहब, शुक्रिया, आप कम से कम मेरे को अपना दामाद तो मान लिए। हरगिज नहीं, तुम्हारी इस घर में पोजीशन मेरे नौकर वही दुखी जैसी होगी, समझे। कोई बात नहीं नवाब साहब, वक्त बदलेगा तो वक्त के साथ साथ मैं भी एक दिन आपका मुकाम ले लूंगा। बड़ी बात और छोटी सोच का नतीजा दुनिया में ही नजर आ जाता है। भाई साहब मुबारक हो ये सड़क छाप दामाद। अब्बू हम लोग आपको सलाम करके दुआएं लेने आए थे, मगर आपने मेरे शोहर और आपके दामाद की बेइज्जती की है। इज्जत, इज्जतदार लोग इस तरह की बेइज्जती के काम नहीं कर सकते। अब ये लोग इस घर में नहीं रह सकते, खबरदार। ऐसा लगता है कि तुम सब लोग मिलकर इस घर में नौटंकी का कोई खेल खेल रहे हो। ससुर जी अब कब तक यहाँ दामाद को आपके खड़ा कर देते, अब मुर्गी बकरा कुछ है नहीं वरम फेरन के लिए। बली बकरे की नहीं तुम्हारी चढ़ेगी, समझे। आज तो पहला दिन है, संभाल लेता हूँ। तुम्हारे बाबा भी कोई किराक दिख रहे, दवा टाइम पे दे रहे नहीं दे रहे। अब ये लोग इस घर में नहीं रह सकते, तुम लोगों को जाना है तो अभी चले जाओ इनके साथ। नवाब अशफाक अली खान के साथ धोखेबाजी हरगिज नहीं। क्या किराक बूटा है भाई तुम्हारा बाबा। भाई जी दो चार दिन के लिए इन लोगों को आप अपने साथ ही ले जाइए, इनका गुस्सा ठंडा होते ही मैं इन लोगों को बुला लूंगी। ठीक है भाभी, जीते रहो बेटा। खुदाफिस अम्मी। जीते रहो। चलिए रास्ता बताइए। चलिए। हाँ अम्मी। वालेकुम। मेरा बच्चा, आखिर मैंने तुम्हारे अब्बू को मना ही लिया। अब्बू देखो बेटे, बेटा तुम्हारी माँ के समझाने पर आखिरकार हमने अपना गुस्सा थूक दिया और तुम लोगों को कबूल कर लिया है। अब तुम लोग इसी घर में रहोगे, मगर याद रहे कि आइंदा कोई ऐसी हरकत न होने पाए जिससे इस घर के विखार और हमारे खानदान की इज्जत पर फर्क पड़ता हो। और तुम लोग आज बड़े खुशी के मौके पर आए। अच्छा? तुम्हारी छोटी बहन ने MBA में फर्स्ट एंड फर्स्ट क्लास पास किया है। बेटे हिना, जी अबू, अभी आई। आज हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं इन सब के सामने। मेरी बेटी MBA में फर्स्ट क्लास पास हुई है। अरे भाई मुबारकबाद दो इसे भी। मेरे बच्चे, बेटे आज तुम MBA में पास हुई हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी तरफ से ये चाबी एक्टिवा की गिफ्ट तुम्हें। लेकिन बेटा थोड़ा हिफाजत से चलाना और ख्याल रखना अपना। अबू एक्टिवा तो आपने दे दी, इसके साथ एक मोबाइल होता तो बहुत अच्छा था। ना बेटे ना। अच्छा। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अरे अबू
अगर आप कह देते तो मैं मेरी प्यारी साली को एक नया मोबाइल गिफ्ट देता था। थैंक यू जीजू। अबू आप नहीं चाहते मैं मोबाइल ना यूज करूं, तो मैं नहीं करूंगी। शाबाश बेटा शाबाश। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे से? तुम? सॉरी, आपको कहीं मार तो नहीं लगी? नहीं, ये दरअसल मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी। ऐसे गाड़ी चलाए तो लोगों को टकरा मारते, अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो बोलो, मैं आके सिखा देता हूँ। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। तुम्हारे पास तो दुपट्टा होगा नहीं, दस्ती बन देना था। ये फिल्मी डायलॉग बहुत पुराने हो गए हैं। क्या जमाना आ गया यारो, टक्कर भी मार दिए खून भी निकाल दिए, ऊपर से ये वो बोलते जा रहे। तेरी गाड़ी दे रहे से मिल। अब भी आ रहा हूँ, तू रुक। क्या बाप, मुनीर की साली तो अंधार हो गई। टेक इट इजी जाने मन, नो 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 टेंशन। टेक इट इजी जाने मन, नो 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 टेंशन। Ding 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 ding
आना है आएगा, जाना है जाएगा, जिसको जब पाना है वो तो वो पाएगा। आना है आएगा, जाना है जाएगा, जिसको जब पाना है वो तो वो पाएगा। फेक इज फाइनल डिसीशन, नो 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 टेंशन। फेक इज फाइनल डिसीशन, नो 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 टेंशन। बाटो खुशी बाटो, खुशियों से जीवन है तुम जिंदगी बाटो। बाटो हंसी बाटो, बाटो खुशी बाटो, खुशियों से जीवन है तुम जिंदगी बाटो। May I give you suggestion, no 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 tension. May I give you suggestion, no 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 tension. उठो जी, तो ये जल्दी कुछ होते रहता। शबाना उठाओ इसे, उठो ना। अब तो अम्मी, सलाम अलैकुम अब्बू अम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाईजान, सलाम अलैकुम। क्या बेटा, कितनी देर लगा दी तुमने, हम लोग कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। अबू, वो पूजा की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गई थी रुबीना के साथ। हाँ तो बेटे, कम से कम फोन करके अपनी माँ को, अपनी फूफू को बता तो देते। फोन कहाँ से करती अब्बू, मेरे पास तो फोन ही नहीं है, आपने मुझे फोन नहीं दिलाया। तो क्या साली साहिबा, आपकी चक्कर में, आपके इंतजार की चक्कर में पूरी नींद मेरी चकले लग गई। ऐसा? अब चाहे तुम्हारे बाबा रुको या तुम्हारी अम्मा, मैं तो तुम्हारा मोबाइल दिला के रहूंगा। ससुर साहब पैसे दो।
ए, हमारे बाबा बोलते तालीम में अधूरी मिलती नहीं मजदूरी। सही बोलते बड़े लोगा, उनका जाती तजुर्बा जो है। दुनिया में जितने पैसे वाले हैं क्या सब पढ़े लिखे है? पैसा पढ़ाई लिखाई से नहीं किस्मत से आता है। देखना यह है हम इफ्लासों की किस्मत में कौन से साल में पैसा आता। जब तक अपन शाह बाबा के पास नहीं जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स अपनी इफ्लासी जाने वाली नहीं है। तेरे को मालूम राजन के पास जो पैसों की बारिश हुई वो शाह बाबा के पास जाने के बाद ही छुई। ऐसा है अपन भी जाएंगे शाह बाबा के पास, अपने को भी कुछ भी नीमुआ देगा, अपनी भी किस्मत खुल जाएंगी। अरे वो सब बेकार बातें, उन्हें संदन की लकड़ी लूट के बड़ा आदमी बन गया। अरे शहबाज एक बार शाह बाबा के पास जाके देखेंगे रे, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। हां तू जाके देख, मैं नहीं आता। क्या प्लानिंग बनाते बैठे हो रे? दाल में कुछ खाना दिख रहा मेरे को। तेरी साली कयामत हो गई बाप। यार की यारी से मतलब रख, बल्कि ना उसकी साली से। क्या बोलता रे मुनीर? ओफो क्या रे मुनीर, तू तो गधे के सिर पे से सींग गायब हो गए, ऐसा गायब हो गया रे मुनीर। तुम जैसे लोगों के सर का या गधों के सर का लौटता ना तो मेरे को भी इफ्लासी लग जाती थी। समझा? पानी नहा के आया? नहा के चाया बोल के बोल रहा हूँ। क्या रे मुनीर, दूसरे के माल पे बहुत उड़ रहा। तेरी कैसी चल रही रे? हाँ खैर छोड़, एक बात बोल, तुम लोग के पास कोई तड़ी का मोबाइल है रे? मेरी साली को गिफ्ट देने का है। ए ले ये दे। अरे कहाँ से निकाल रहा है? सी लाए रे, कल ही चुराया, चाइना का है, रिमोट रिंग में वहाँ भी लगा। बगल के बैंक के जगह क्या है रे भाई? चाइना के मोबाइल को खाली 2000। चोरी के लिए बसे बेटे, रखो संभालो। क्या गंदे लोग आए रे भाई, मोबाइल तो आ गया, अब सिम लेने के वास्ते खुबा मोबाइल जाएगा, सिम ले लेंगे। अरे वहाँ आईडी प्रूफ देना पड़ता रे भाई। अरे इमरान भाई अपना भी है यार, तुम लोग कुछ तो भी मेरे दिमाग में डालते रहते। पहले मेरा ससुरा मेरे को अमेरिका भेजने के चक्कर में तुम लोग की सोबत में रहा ना, तो उन्हें अमीर पेट भी नहीं भेजा था मेरे को। सही बोल रहा, पासपोर्ट बना लिए पहले। चलो चोर दामाद, पहले गाड़ी निकालो। यही से खुबा मोबाइल बहुत तारीफ कर रहा था दुकान की। मेरे को एक आइडिया है, ले ली पूरे जगह नेटवर्क रहता। तू गांव का है इसलिए पसंद कर रहा। अरे हौले ये क्या है, तेरे को नहीं मालूम पूरा तेलंगाना में नंबर वन नेटवर्क है इसका। चलो खुदा हाफिज। चलेंगे साले, खुदा हाफिज। तेलंगाना अलग हो ही गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टंटना आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट। क्या भाईजान, मार्केट में इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फोन आ रहे हैं, ये क्या लेकर आए हो? ना इसमें फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना व्हाट्सएप है। अरे साली साहिबा, आपके पास पहले बड़ा मोबाइल था, वो बार बार को हैंग हो जा रहा था, ये सीधा सादा मोबाइल है। तो तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी? नहीं नहीं अबू, वो मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं अबू, वो तो चाइना का मोबाइल था, ये खुबा मोबाइल है, बिल्कुल सीधा मोबाइल है, ना इसमें फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना टैंगो है, ना वाइपर है। इससे माहौल खराब हो रहा, मगर साली साहिबा आप खराब नहीं होना। जाबू मैं सही बोला? सही है, इसमें सिर्फ फोन आना फोन जाना यही है ना? हाँ अबू वही है। ये नंबर सिवाय घर वालों के किसी और को नहीं देना। हाँ अबू। क्यों, ठीक है ना? हाँ अबू। और एक बात ये थी, आप मेरे को 2000 रुपए दिए थे, ये मोबाइल 3000 का है, मैं 1000 डाल के लाया। 1000 तुम डाल के लाए? तुम्हारे पास भी पैसे होते हैं? आपकी शेरवानी में सुना था। क्या बोले? 1000 रुपए पूछा। हाँ मैं दामाद का ऐसा लेना नहीं चाहता। बुड्ढा भी सही जा रहा। ये लो दे दिए हैं बेटे। अबा क्या बात है, घर में नारी पाए बनाए क्या? अच्छा बना, जरा जाके जल्दी पाए निकालना जल्दी। चलो भाई। ओ, क्या मुसीबत है, फिर किसी का मैसेज आ गया। सो गए क्या? मैंने तुम्हें नींद में डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये कौन होगा इतनी रात को मैसेज कर रहा? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा,
अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जो देगा उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। गरम गरम बिरयानी दे दे बाबा, अल्लाह उसको और देगा बाबा। गरम गरम बिरयानी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। इधर आजा बाबा, आजा बाबा, आजा। आ रहा हूं बाबा। अल्लाह का करम है बिरयानी गरम है, मगर हमारे घर में 4 बजे के बाद ही सब पकता। तेरी झोली में जो गरम गरम है बाबा, वो मुझको दे दे बाबा, तेरा भी भला हो जाएगा। अपनी बाजू से बघारा खाना दाल चाल आया। अब बाबा बाबा खोल फिर रख। ये प्लेट भी लाया हूं। इंटरनेशनल फकीर दिख रहा तू मेरे को, प्लेट भी रख लिया, ये कुर्ता कहां से मारा रे? एक काम कर, मेरे को बघारा खाना खिला दे तू, मैं तेरे को शाम में बिरयानी खिला दो। बहुत जबरदस्त लाया तो बिरयानी तेरी पक्की। तू तो मेरे से भी ज्यादा फकीर दिख रहा। ले थोड़ा तू भी रख। क्या तरीका है ये? मेरे घर के दामाद होके एक फकीर से खाना खरीद के खाते? खरीद के मंगे खा रहा इन्हें? अरे इज्जत तेरे होले, मंगे खा रहे बोल, नवाब साहब का दामाद हूँ। मगर क्या टेस्टी है नवाब साहब? अरे मियाँ, फकीरों का खाना मंगे खाए खरीद के खाए तो हम जैसे नवाबों के घरों में इफ्लास आ जाता मालूम। अरे हाउ जी, तो फिर क्या करेगा दामाद? और तो रात तमाम सीरियल देख के सुबह का नाश्ता दोपहर में बना रहे, दोपहर का खाना शाम में बना रहे, क्या दामाद भूखा मर जाएगा क्या? खाने दो मेरे को। क्या हुआ, बिरयानी खिला दे बोले ना, हमारा पेट भूखा है, तुम खा ले रहे पेट भर के बिरयानी। बिरयानी शाम में दम होती, मैं तेरे को शाम में बुला लेता हूँ, अब जा जा। ये नवाबों का घर है। अरे मियाँ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, कम से कम दूसरे की इज्जत का तो ख्याल रखो। भिखारी से भीख मांग के खाना खा रहे दामाद कहते, क्या बेइज्जती करा दिया मेरे? इज्जत 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 इज्जत, दामाद भूखा मर रहा, इनको ख्याल नहीं है, इनकी इज्जत कहते। भाई आप ला तो ये पानी पिला दो ना भाई, ऐसा ससुरा नक्को जी समझो। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो पूजा, यार उस नंबर से तो मिस कॉल आना भी शुरू हो गए, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे यार तू इतना परेशान क्यों हो रही है? एक काम करना, उन्हें भी मिस कॉल दे रहा है, तू भी उसको मिस कॉल दे दे, शायद उसको जवाब आ जाए। अब तो समझ गई ना तू? ओके देखते हैं देखते हैं, थैंक यू। तो ये वही नंबर है। हेलो, मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ, मेरे घर की गैस खत्म हो गई है। एक्चुअली मैं एग्जाम की पढ़ाई कर रहा था, क्या मुझे एक प्याली चाय मिलेगी? सॉरी रॉन्ग नंबर। बात हो गई, मगर मुझे तो वो पागल दिखता, आधी रात को आधी प्याली चाय मांग रहा। पागल नहीं है रे वो, ये समझ ले उसको तुझसे प्यार हो गया, वो तेरा दीवाना हो गया रे। पूजा अपन कल कॉलेज में मिलके बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके बाय। हेलो, हेलो, दूध पत्ती शक्कर है मेरे पास, सिर्फ आप मुझे आधी प्याली चाय बना कर दे दीजिए। देखिए आप गलत जगह ट्राई कर रहे हैं, प्लीज फोन रखिए। कब तक छुपेगी गहरी पत्तों की आड़ में, एक नायक दिन आएगी मेरे हाथ में। अच्छा?
मैं तेरे को जो काम दिया था वो छोड़ के किधर आवारा गर्दी कर रहा है? हाँ अच्छा, मगर लेट करा, आइंदा से टाइम पे काम होना, समझ में आया? अरे मुनीर, इन्हें बाबा के पास लाया या कोई पागल खाने को ला? बाबा लोग आए मिलने के लिए। हाँ कहो, क्या कहना है? शाह बाबा, कोई भी काम नहीं बन रहा और कोई भी काम करे तो नाकामी छो रहा, सोना पकड़े तो मट्टी हो जा रही। जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश या बड़ा अरमान है क्या? बाबा इतने ख्वाहिशा इतने अरमाना है बाबा, मगर पैसे नहीं है ना बाबा। पैसे कमाने के वास्ते या तो दिल होना या नहीं तो दिमाग। दिमाग तो तुम लोगों का नहीं है। नहीं देखा, कैसा पहचान लिया तेरी मुंडी में दिमाग नहीं है सो? अगर दिल है तो एक काला सांप लेकर आओ, उसके बाद देखो शाह बाबा तुम्हारी कैसे तकदीर बदलते हैं। अजी दौलत क्या है, दौलत तो तुम्हारे घर की बच्चे रहेगी। बाबा काले नाक की जगह काला बिलावड़ मिला तो चलता है क्या? खामोश, मजाक मत करो, जितना कहा गया सिर्फ उतना ही करो। अब तुम लोग जा सकते हो। जाओ जाओ। अरे चले मुनीर, तू भी बाबा बन जा। काम होने के बाद तुम्हारा पेमेंट करता हूं। बाबा मच्छी के पाए चलते क्या? बाबा साथ में चुमकी का भेजा भी लाओ। ला तो बाबा, मगर चुमकी का भेजा लाने के वास्ते मेरे को लारी में लाना पड़ता। जरा वेट करो। क्या दीवाना बाबा ने? क्या रे, कैसे बाबा के पास ला? बाबा यहाँ बोलते मुर्गी लाओ बकरा लाओ, ये बाबा तो सांप के बिल में हाथ डाल के सांप लाओ बोल रहा। मर्द है तो कहीं गुड़ा रहा। अरे हौरे भाई, राजा नन्ना भी 5 किलो का काला नाक लगे दिया जब जाके पैसे वाला बना। अरे मुनीर, मेरा मामू उसके कब्जे में रे। अरे हौरे भाई, तेरा मामू का छोटा लल्ली पापा है जो गलियों में फिरते रहता, एक जगह बिठाना नहीं उसको। घर जान दे, मामू बोले तो माँ का मुँह। अरे तुम्हारे मामू को घर में बैठो बोलना नहीं रे, कई को गलियों में फिरता रहते। जब तुम लोग को राजन मारने आया था तो मैसेज करा रहे, आज मैं मुसीबत में तो तुम ऐसे हाथ दे तेरे मेरे को। देखेंगे, चल जाके राजन के पास छुड़ाएंगे अपन लोग। चल रे भाई। ओ आगे तुम लोग। हनोनी कहनी करते होनी कहन होनी जब जमा तीनो आमेन शहबाज मुनीर है। तुम लोग कब तक मेरे को पांचला का चुना लगाएंगे? लोग सुने तो मेरे ऊपर थूकेंगे। अन्ना चेहरा साफ हुआ था तुम्हारा? अन्ना ये अपने आपस का मामला था ना अन्ना, तुम घर वालों को बीच में कहीं बुलाए ना। पहले हाथ हटा, दूर हट। कौन से भी फिल्म उठा के देख लो तुम लोग, हर फिल्म में विलन फोड़ते ही पड़ता हीरो की, इसलिए फैमिली को एंटर कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद तुम वो नहीं देखे हीरो लास्ट में विलन की फोड़ता सब? अन्ना अब जान दो ना अन्ना, बच्चा है उन्हें बोल रहा ना, मामू को जो छोड़ने के लिए क्या लेते ले लो अन्ना। चंदल की लकड़ी कब्जा करके 5 से 10 करोड़ रुपए कमा के बैठा मैं इधर। अरे बैठा तो बैठा ना, हमला क्या करना? हमला क्या करना, जाके लूटना उसको। अब लूटने के वास्ते अरबन क्या चूहे का बच्चा है, उसके वास्ते अच्छी प्लानिंग करना पड़ता, घोड़ा वेड़ा लग जाना पड़ता। ले मेरे कने है। अन्ना उसमें गोलियां नहीं है, एक ही गोली है, मोटी है। वो आटे की है ना? आटा सुखते कड़क। तुम लोगों को खतरों से खेलने की शौक नहीं है? तुम लोगों को खाली छुना लगाने को सोचते मेरे को, जाके लूट के ला उसको। शाम तक मैं इसको कब्जे में रखता हूँ, ओ बुड्ढे को भी देख लूंगा मैं। क्या रे शहबाज, तू मेरा लाडली बहन का बेटा समझकर तेरे को सपोर्ट करा तो तू आकर मेरी जान खतरे में डाल देता यार तू। अरे मामू तुम परेशान रखो जी, तुम्हारी मौत किसी लल्लू पंजू के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। अरे राजन अन्ना, हम लोग दर्पण लूट के ला लेते, अगर उसके बीच में मेरे मामू के नाखून को भी धक्का लगा ना, नीचे से ऊपर से निकलना। पहले ला रे भाई तुझा, मैं तुम लोग एक मदद कर सकता हूँ। क्या है वो? दर्पण तक पहुँचने के लिए एक नक्शा मेरे पास है, अभी दे तू मैं तुम लोग गो गो। अब क्या करना पड़ता कि अरे ये रास्ता बराबर है रे, चलना रे भाई अभी थोड़ा आगे चलेंगे। पानी की प्यास लग रही बाप। अरे वहाँ कौन क्या है रे? चल बाप।
चल तू चल। अरे आओ रे आओ जल्दी आ रे ये रात में दोपहर का काम करो बोलते बोलते पीछे चुप ना हो रही है क्या रे आवाज न कुकर झाड़ों की आवाज आ रही है यहां बैठ जाओ ये बराबर है नक्शे के हिसाब से अपने को थोड़ा और दो कदम आगे जाना पड़ता सर का दिख रहा बाप और आगे जाना पैदल बताओ मेरा नहीं उतार पाऊं भाई यहीं बैठ जा आगे फाइव स्टार होटल है नाश्ता किश्ता करके जाएंगे हां ये जंगल में कौन पांडू बनाया रे होटल तुम्हारे बाबा बना के रखे अरे इन्हें ताने मार रहा रे भाई तानों को भी नहीं समझ सकता तू अरे फिर क्या बोलूं बाप वो अड्डे पे जाना बोले तो पैदल ही जाना पड़ता ये जंगल है रे भाई मां का एक मार ले अरे हिना का है हेलो हां हिना क्या बोल मैं मिशन इम्पॉसिबल पे हूँ मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ ठीक है बाय अरे बिंदे सारी दूरबीन दे दूरबीन कहाँ है रे भाई हाँ मेरे पास है ना ओवर एक्टिंग ना को अरे शहबाज क्या हो रे अरे वो एक आदमी टहल रहा बाप उसके हाथ में बंदूक है नीचे देख रहा क्या सही बोल रहा और क्या कर रहा बोल पूरा जंगल है एक आदमी के हाथ में बंदूक है अम्मा मैं गोलियां दिख रही दूरबीन में से अम्मा मर गया रे ये क्या रे अपनी खुट्टी किस्मत अपना निवाला कोई और खा ले रहा शुक्र मान बाप उल्ला अपने को अटैक करने से पहले नजर आ गए नहीं तो वरना गोलियों से अरे मेरे मामू को कैसा बचाओ रे मामू अरे तू फिकर ना कर शहबाज कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे अरे एक काम करेंगे रे अपन जाके वो राजन करे सरेंडर हो जाएंगे रे उन्हें दिखता बिलावल के नाथ मगर मल्लू है उन्हें तेरा पांचा अभी तक नहीं आया गावरे तुम लोग के सूरतान देखे तो काम न बने ऐसा दिख रहा मेरे को क्या करेंगे अन्ना वहां गए तो लंबे लंबे AK-47 लेके ठहरे हुए और ऊपर से पुलिस भी आ गई अरे अन्ना मैं पहले बोला ना उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है बोल के कबूम का शिकार चील उड़ा के ले गया तो मैं क्या करूं रे राजन अन्ना मैं आ गया ना राजन अन्ना मेरे मामू को छोड़ दो राजन अन्ना तुम्हारा जो भी काम लेना मेरे से लियो मगर मेरे मामू को छोड़ दो अन्ना तू बहुत ही बड़े बड़े बात कर रहा था शेर का शिकार कर तू बोल के आ गया ना शेर के जबड़ों में शेर और इंसान में यही तो फर्क है अन्ना शेर के रिश्तेदार नहीं होते मैं तो तेरे को मरद समझाता लेकिन मेरे को तेरे ऊपर बहुत भरोसा है तेरे कहने पे तेरे मामू को मैं छोड़ दे रहा हूं लेकिन एक बात याद रख कभी भी तेरी जरूरत पड़े तेरे को मेरे पास आना बोल मंजूर है हाँ मंजूर है भाई ए इधर आ मामू जा तेरा दामाद आया देखता चल अन्ना देख जा मामू हमारे मामू खाना डाला ना इन्हें जादू चल गया सर का दिख रहा है इसके ऊपर मेरा हेलो हेलो इतनी रात को कॉल ये बोलने के लिए फोन किया था रातों में फोन और मैसेज बंद कर दो अच्छा तो दिन में बात कर लेता हूँ मैं अच्छा नाम क्या है तुम्हारा क्यों मेरे नाम से कंप्लेन देनी है क्या जी हाँ नंबर है ना मेरा तुम्हारे पास दे देना था पुलिस में पुलिस नंबर से ढूंढ लेती तुम्हारे पास मेरा नंबर पहले दिन से है ये नंबर कहाँ से आया और क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में सब कुछ तुम्हारे अब्बू एक जिद्दी और सरपीरे इंसान है और तुम्हारी माँ खुश मिजाज औरत है और तुम्हारी बहन एक कामचोर बेकार आदमी से आशिकी करके शादी कर ली हा? वो कामचोर तुम्हारे घर का दामाद है तुम मेरे दोस्तों में हो या रिश्तेदार में ना तो तुम्हारे दोस्तों में ना तो रिश्तेदारों में तो ये फोन का हिस्सा खत्म करो उसके लिए मेरे से एक बार मिलना पड़ेगा कभी नहीं हा? कभी नहीं कभी नहीं जरूर मिलेंगे हा?
जरूर बाय। 98 99 100 या 100 पॉइंट गला। अरे क्या है रे, वो नवाब की किस्मत में तुम्हारे से फटीचर दामाद आई छे क्या? अरे मेरा बुड्ढा ससुरा आखिरी फिरोने रे भाई। हाँ। उसकी खुद की बहन को कुंवारा बिठा के रखा, उसकी झूठी शान के लिए मेरी बीवी शबाना को शादी से पहले दुनिया के रिश्ते आए सब कुछ जलील करके बढ़ा दिया साला बुड्ढा वो। अच्छा करी उन्हें तेरे ऐसे मुसंडे को सेलेक्ट कर ली सो, नहीं तो उन्हें भी जिंदगी भर उसके फुप्पू के जैसा कुंवारी घर में बैठती थी रोटियां डाल लेते हुए। अच्छा तो मिलने कह रहा है, ठीक है मिलकर देखेंगे तुम्हारे हीरो में कितना दम है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही, अब्बू को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। कोई माँ बाप अपने औलाद को जान से नहीं मार सकता। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन तक फोन और फ्रेंड से ही मजा ले ले, पहले मैसेज फिर कॉल और अब तो मिलने को कह रहा है वो, मैं क्या करूँ। अच्छा एक काम कर, किंग्स दरबार होटल में लंच पे बुला ले। वहाँ का खाना खाए ना, तब देख वो तेरा दीवाना हो जाए। चल जल्दी से फोन उठा, तेरे हीरो को बुला। तेरी शादी तो उससे हो जाती। हाँ? मगर मेरे को ऐसा दिख रहा। हाँ? तेरी भी हालत ये मुनीर के जैसा हो गया ऐसा दिख रहा। दुआ कर, तेरा ही बजरा बाहर निकल। हीना चुप रह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सुनो एक बात, कल तुम्हें मेरे साथ किंग दरबार होटल लंच पे आना होगा। हाँ जरूर क्यों नहीं। और सुनो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी होगी। हाँ ठीक है बाय। मैं हूँ खुश रंग ही ना वाके बाले बिक्की बाले बाले होटल के रूम में लगे आके बदल रहा। कई को हनी सिंह का झूठा पानी पिया था कह रहे बक्को बारी कोई के। अरे सुन मोटे, इंग्लिश में हनी सिंह उर्दू में शहर सिंह। वो जानबूझकर लेट आने वाला है, उसको फोन करके बुला। लेकिन हो सकता है वो हमारा इंतजार करके चला गया हो। उसी का फोन है। हेलो हेलो, कहाँ है तुम लोग? किंग्स दरबार में। अरे मैं भी तो किंग्स दरबार में हूँ। सेकंड फ्लोर। अच्छा तो तुम लोग सेकंड फ्लोर पे हो। मैं यहाँ नीचे एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा बेखूब बना है, फोन रखो मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। ए पूछा चल छुप जा वो आ रहा है। ओफो, तो तुम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब से मेरे को दीवाना बना रही। अरे ये तो सपनों का सौदागर दिख रहा, तेरी किस्मत तो खुल गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बैठिए। तुम्हें ये किस्सा यहीं पे खत्म करना होगा। मैं सुन रहा था ये किस्सा यहाँ से शुरू होने वाला है। हाँ? इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं सिर्फ इनसे एक एक्सीडेंटल रूप पे मिली, ये कौन है कहाँ रहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। आपकी सहेली झूठ बहुत बोलती, हम लोग आप पहले दो बार मिल लिए, ये मेरे दोस्त मुनीर की साली है। इनकी बात पे यकीन मत करो। हम भी है इधर, मेरा इंटरेक्शन अपने हीरो से तो कराओ। ओफो मैं तो भूल ही गई, सुने आप ये मेरी फ्रेंड पूजा है। हाय खान, शहबाज खान, ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका हूँ, नौकरी और छोकरी की तलाश में हूँ। एक गली में जवान हुए और एक गली में बदनाम हुए सरका दिख रहा मेरे को। अरे वो हा? सब छोड़ो, ये बताओ खाओगे क्या? वो इच पुरानी किंग्स दरबार की तंदूरी चिकन बहुत मशहूर और बहुत मजे की रहती। इलियास भाई को बोलो एक जबरदस्त तंदूरी चिकन भिजाओ। बोलो हीना तुम क्या खाते? मुझे तो यहाँ की चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। और तुम? वो इच दाल चावल। हीना तुम्हारी सहेली जरा ठंडी दिख रही मेरे को। हा? पैसों के बारे में बहुत सोचते हो इसलिए हालत देखो यूं है, जाके लालो भेजो। अरे आ गया। ये बिरयानी इनको दियो, ये चावल इनको दियो। एक काम करेंगे, यहाँ की तंदूरी चिकन बहुत मशहूर है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी लेना था। एक काम करो ये टांग आप उठा लो, ये टांग आप उठा लो, बीच की मैं ले लेता हूँ। What? What do you mean? अरे मेरा मतलब है ये बीच के गोश्त में बहुत एनर्जी मिलती, खाए तो मालूम आपको। मेरा तो हो गया। मेरा भी हो गया। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है शबाज?
वैसे मैं मेरे मामा के पास रहता हूँ और मेरे मम्मी और डैड करीमनगर में रहते हैं। यहाँ लो, ये बिल मैं दूंगी। ये बिल मैं देता हूँ। ये बिल मैं दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए बिल मैं दूंगी। लो 1000 रुपए। अच्छा तुम बोल रहे हैं तो दे दो, और वो बचे हुए पैसे पूरे रख लो। अच्छा शाबाश, अब हम चलते हैं। हाँ? घर में अम्मी अबू इंतजार कर रहे होंगे। चलो खाए पिए किसके? मियाँ भाई इसके या इसके? आईनक भूल गए आप? चलो शॉपिंग में चलते। देख हाँ, तू बोल रही थी ना वो नहीं आएगा, वो आया, अब वो मुझे शॉपिंग पे भी ले जा रहा है। ऑल द बेस्ट। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
रहूंगा। अच्छा चुन्नू मुन्नू ख्वाबों में ले ले रे मजे। असल में इन्हें मेरी साली से जब से मिला ना ख्वाबों देख लेना चालू कर दिया, इसलिए जल्दी सो रहा। वो बोलते देख मिसाले देख बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े। हाँ बेडशीट कई को मोटी कर रहे, उठो। क्या हो रहा इतनी रात को तुम लोग? रात को क्या रे? अरे मुनीर तू यहाँ? हाँ रे, अब क्या कर सकते, देख तुम लोग की याद आ गई बोल के आ गया। तेरी भाभी का मूड नहीं है रे, दो दिन से खाली फसलियों पे भखा भख देरी में। और वैसे भी रे तुम लोग की बहुत याद आ रही थी बाप, इसलिए आ गया रे। क्या जाओ बोल रहा क्या मेरे को? चल। अरे नहीं रे, हम लोग को तेरी बहुत याद आ रही थी रे मुनीर। अरे ठहरो रे भाई, तेरी नई शादी भी, तू लड्डू खाते हुए भी मायूसी में, उन्हें ख्वाब में ले लेना मजे। अब मैं क्या करूँ, बाथरूम में जाके गाना गाऊं? अरे चल थोड़ो बताए, काम करेंगे, कैरम खेलेंगे अपन आज। चल बाप, कैरम को चार पक्के रहते, मेरे बहुत पसंद वो खेल, वो बड़ा बढ़ूंगा। फूफू अचानक ये सब क्या हो गया? आपको सब पता है फिर भी आप खामोश बैठे हैं। या इस घर में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सिवाय अब्बू के किसी को मालूम नहीं रहता है। हम सब तो कठपुतलियां हैं, उनकी इशारों पे नाचना पड़ता है। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुमने इजी ले लिया, अब भुगतो तुम सजा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ तुम्हारी बातों से नाफरमानी झलक रही है, खबरदार जो कोई गलत कदम उठाया तो। इसके रिश्ते के बारे में मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाउ रे, ससुराल के रोटियां तोड़ना बोले तो क्या गुनाह कर रहा हूँ? आ दुनिया का दस्तूर है, खाओ पियो मजाक करो, ससुराल के घर में रहा करो, हमेशा बत्ती बुझाकर सोया करो। चल रख बैलेंस कम है। आ? क्या हुआ जान? घर में नहीं रहती, अबू ने मुझे फिर से मारा। तुम टेंशन को लियो, वो दिन अपने रहे अपने, मेरा एक दोस्त है मसूद बोल के, वो बिल्डर है, उसके पास मैं ऑलरेडी फ्लैट बुक करा दिया, उसके बाद अपनी हैप्पी लाइफ। जरा गाली दलो। वो क्यों, आज मेरा मूड नहीं है। तुमने भी मुझे मारा। ये देखो मेरी बीवी को तुम्हारे अब्बू मारे, मैं उनकी बेटी को मारा, हिसाब बराबर। अब एक काम करो, लाइट बंद कर दो, समझ गए? आप ना भी सो जाओ। तो आप हमारे घर रिश्ता करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे बेटे अकरम है, कंप्यूटर इंजीनियर। अच्छा मगर ये तो बताइए जनाब कि आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? खानदान शायद आपको याद होगा कि हमारे दादा आपके दादा के पास मुंशी छुआ करते थे। अरे भाई ये तो 40 साल पुरानी बात है, किसे याद रहती है, मगर आप जा सकते हैं अब। खान साहब आप क्या बोल रहे हैं, जरा खुल के बोलिए। देखिए हम नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आज तक ना हमने जमीन पर बैठकर खाना खाया और न जमीन पर बैठकर खाने वालों के साथ कोई रिश्ता किया, समझे आप? अरे अरे आपके साथ पुश्तों में भी कोई जमीन में दफन हुआ या नहीं है? आप जा सकते हैं, आपने सुना नहीं, मैंने कहा आप जा सकते हैं। थैरी अंकल, आप हमारे घर आए मेहमान, हमारे घर से चाय और बिस्किट खाए बिना जा नहीं सकते, मैं इंतजाम करता हूं। चाय वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे बड़े दामाद हैं। अच्छा दामाद जी। है खान साहब, आपके अखलाक से अच्छे तो आपके दामाद के अखलाक हैं। अच्छा हाँ चलिए निकलिए, ऐसे घर में रिश्ता करना नहीं है हमको। चले आते हैं, मुंह उठाए ना जाने कहां कहां से। हमारा खानदान देखो और इन्हें देखो हैं। और मियां क्या बोले, सुने हो? सुन भी लिया देख भी लिया। छपाना चाय बनाना, शहबाज के रिश्ते की बात करना पड़ता बुड्ढे के साथ ही। क्या हुआ मेरे बच्चे? सुनो आज से इसका कॉलेज जाना बंद और इसका मोबाइल भी छीन लो। दिन ब दिन मेरी मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। और तुम इस घर की बदनामी और बर्बादी से तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? हाँ
जब तक आप इंसान की इंसानियत की बुनियाद को ठेस पहुंचाते रहेंगे तो आपका एटीट्यूड को इसी तरह ठेस पहुंचते रहेंगी। क्या बात है? अबू ने मेरे को और शाबाज को पार्क में देख लिया। अबू ने देख लिया? उन्होंने शाबाज के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। शाबाज, तेरे को तो ये घर में अब आना ही पड़ेगा। नवाब साहब को तीसरी बेटी नहीं है। मैंने ना। अच्छा वो इधर है मान। देख ले मालूम होता। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। ये शहबाज है। अच्छा शहबाज। और ये साहब शहबाज के कौन लगते हैं? इनो मामू है। मामू। और ये कौन है भाई? इनके खलेरे भाई है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था इस तरह के लोगों से बैठ के ऐसा बात करूंगा। अरे मेरे को क्या करना है, आप बोले बोल के लेके आया। नाराज तुम हो रहे हो, हालांकि बेटी मेरी बदनाम हो रही है, इज्जत हमारे खानदान की गई है, तुमको नाराज होने की क्या जरूरत है? तो आप शहबाज के मामू हैं। जी, मेरे भाईजान मरने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी थी। अच्छा, यानी सारी परवरिश वगैरह आप ही ने की? जी जी। जो लड़का जिंदगी भर एक मामू के टुकड़ों पर पलता है वो शादी के बाद अपनी बीवी के अखराजात कैसे उठाएगा, उसे पालेगा कैसे? नवाब साहब, आप नवाबगिरी का बहुत बड़ा ताज पहने हुए, गुजरे हुए कोई नवाबों की भी जो है सो दौलत नहीं टिकी हुई है, सब फकीरा बने हुए। अगर हमारा शहबाज चाहा तो आपसे डबल दौलत 6 महीने के अंदर कमा के बता सकता है। 6 महीने तो क्या, 3 महीने में से ज्यादा प्रॉपर्टी बना के दिखा। ओवर हो गया बाबा। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी तो दूर की बात, तुम अपनी बीवी के साथ रहने के लिए एक छोटा सा घर भी बना सको तो मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है नवाब साहब, तो अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अबू, मैं लोगों को छोड़ के आता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, आने वाले 6 महीने तक नवाब अशफाक अली खान तुम्हारा इंतजार करेगा। अरे मामू के टुकड़ों पे पलने वाले अनाथ बच्चों, इतना 6 महीने में लखपति करोड़पति कैसा बनते रे? अरे वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, बुड्ढा अपने सामने उड़ रहा था, अपन भी थोड़ा उड़ लिए। उन्हें उड़ता, उसके घर में पैसों का झाड़ है, तेरे पास क्या है रे, कटी पतंग? अरे देखो पूरे शहर में मेरी साली मिल रही डोरे डालने के वास्ते, और ये भोली सूरत पे चैलेंज भी करके आया जाली नोट का भी। चैलेंज से ससुर जी की नींद उड़ गई होंगी। नींद उड़ती मगर उन्हें कॉन्फिडेंट में सो रहा, उसको यकीन है तू 6 महीने में नहीं 6 साल में भी घर नहीं खरीद सकता। मौत को भूल गया बुड्ढा? बुड्ढा अगर ये 6 महीने में मर गया ना, शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। ये अच्छा सोचा, कमा तो सकता नहीं, एक काम कर जंगल में जाके 40 दिन छिल्ला बैठ जा, बुड्ढा मरने की दुआ कर। आज मजाक उड़ा रहा तू, कल तेरा सारी दुनिया मजाक उड़ाएंगी अगर तू ऐसी हाथ पे हाथ रख के बैठा तो। नहीं होता, शाह बाबा के पास जाके इसका हल कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। शाह बाबा हो या शाही बाबा, अब तो हमको उनकी उम्मीद की किरण के पीछे भागना ही पड़ेगा। अब तो इजी मनी का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो सीधे रास्ते पे चलते चलते तू मर भी गया ना तो लखपति नहीं बन सकता। अरे राजन अन्ना फोन क्यों कर रहा रे? स्पीकर पे डाल। हेलो राजन बोल रहा हूँ, बड़ी घर की बच्ची को पटा लिया करते, मेरे पैसे जल्दी वापस कर दो तुम लोग, नहीं तो बेटा तुम लोग ये धमकियां नको दे राजन अन्ना, वरना तेरे अड्डे पे अभी भी आके मार सकता हूँ। अच्छा धमकी दे रहा, मैं भी मेरी पट्टा का हूँ बेटा। अरे क्या राजन अन्ना, पुरानी दोस्ती का तो ख्याल रखो यारो। दोस्त बोल के मेरी अच्छी मारे रे तुम लोग, नको तुम लोग की दोस्ती मेरे को, मेरे पैसे मेरे को जल्दी वापस करो। उसको बोल जरा बड़े बड़े बात नहीं करना मेरे साथ बोल के, मेरी संगी फिर गयी ना तीनों को ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा। पर साला राजन, अब तो शाह बाबा जी अपनी दुनिया रोशन कर सकते। कम ऑन गाइस, कई को नींबू देते क्या? नींबूओं का अचार भी बना के खा सकते। कई को राजन से डर के बोल रहा क्या? मेरा चल डर तुम अंगार लगा देंगे सांप पकड़ के। पटनम के लौंडों से डरते अपन, चलो सांप पकड़ेंगे। तो सांप पकड़ना पड़ेगा बाबा, पॉइंट में छोड़ दे तू राजन के सांप। सुबह का है वक्त हाथ में लोटा नहीं, हमें डर है हम कर ना जाए कहीं। सुबह का है वक्त हाथ में लोटा नहीं,
वो कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे, हाथ में लोटा लिए नजर नीचे। वो कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे, हाथ में लोटा लिए नजर नीचे। कभी डुर डुर, कभी पुर पुर, कभी हो ले से पाओ। अरे क्या रे आमिर, तेरा बाबा तो अपने को सफेरा बना के छोड़ दिया। तो क्या बाबा बोले तो सफेरे बने तुमला? तुम्हारे सुसरे का ने हीरो वहां बनने के वास्ते सांप ढूंढने निकले तुमला? हाँ तो इसे मेरे अकेले का फायदा नहीं है, इसमें तेरा जुगाड़ नहीं है, तू भी अपने मतलब के लिए निकला। अरे खामोश बैठो रे, ऐसे पत्तों में काला सांप मिलता। सही बोला, भरोसा तो है, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। काले सांप की जगह बाबा अगर मच्छी बोलता ना, समंदर में खान मार के 50 किलो की मच्छी ऊपर ला लेता था रे। काम छोटा बातां बड़े बड़े, समंदर में डुबकी लगाता कहते। खामोश बैठो रे जरा, नहीं तो आने वाला सांप भी पिछले पांव पलट के चले जाता उसके पके में। बड़े बड़े बातां बहुत कर रहा, जाके खामोश सांप ढूंढ। चुप बैठो यारो, मालूम है तो बेकार के बातां करते रहते, सांप फैला होता। ऐसा हाँ फिर मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मैं नहीं नागिन तू सफेरा। वो क्या है रे? मैं तेरे को बाबा जी का ठुल्लू। वो है मेरे पास। रे नीचे देख के चलो रे भाई, झाड़ पे भी रहते सांपा। हाँ सही भी। अरे तेरे बाबा को चुंटियां चलते रे, यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ साबुन कौन डाल दिया रे? ये चुंटियों को पकड़ के लेके चलो, घर को जाके तल के खाएंगे। पैसों की लालच में किसका किसका काम करना पड़ रहा, देखो यहाँ ऐसी जगह से रहता। देखो क्या रे भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा, सांप ना बिल। अरे खुदा के वास्ते जरा खामोश बैठो रे, ऐसे पत्तों में से रहता। अरे ये क्या है रे भाई, यहाँ भी तेरे सिग्नल आने लग रहे, बंद कर फोन। अरे हिना का फोन है रे। हेलो। हेलो हाँ हिना, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त जंगल में हूँ। जंगल में, वहाँ क्या कर रहे हो? मैं सांप पकड़ने को आया। सांप पकड़ने आया, मैं कुछ समझे नहीं। नहीं बहुत वो लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। सो बोल हिना को फोन पे, जंगल में आए मंगल करने आए, बिच्छू काटा सांप पकड़ने आए, मैं लूटा ले कैसे ही बोल रहा था। यहाँ जंगल में पत्तों से पोच लेना, वो तेरा काम है। अब देख सांप कैसा बाहर आता, बाबा मेरे को बोल दिए उसको क्या पढ़ के फूकना। చుంటుకు బుంటుకు చుంటుకు రంటైలె అంటదిరింటినది దింటిని ఇన్స్టంట్ అయిలే చంటకనైనా చుంటుక్కనైనా ఫింటి గర్రే ఇంటిది ఒంటొకేనంటే గుంటుగులే దింటిని చుంటుక్కులంటదా కొంటై బంటషా కంటనలంటోనే ఉంటుంది మంత్ర సున్కే సాప్ ఆనే వాలా భీ భాగ్ జాతా తెలుగు గానే గాకే మంత్ర పడ బోలా బాబా బోలా తెలుగు మే గో బోల్కే తేరా క్యా రే భాయ్ मंत्र पढ़ना तो दिल से पढ़ना रे, सांप खाली ऐसा आ जाना मैं पढ़ता हूँ देख, मगर याद नहीं रे मेरे को। अब तो आना ही चाहना है। सांप की मुंजी पकड़ना। अम्मा अम्मा मुझे। अरे उसकी तुम पकड़ रहा भाई। अरे मियां ये सांप मेरे को फेवरेट पे दिख रहा बाप, इन्हें कांप रहा देख, आमिर भी कांप रहा। अम्मा अम्मे जी थैला रे, एक मिनट थैली थैला देख तू क्या रे। अरे यार थैला है देख, डाल इसमें रे। जंगल में क्या कर रहे रे? बैगन पकड़ रहे। गन है वापिस का नहीं। कहाँ से आ रहे तुम लगा? सलाम साहब। साहब बेरा तोड़ने आए थे साहब, बेरा है थैले में। बेरा तोड़ने आए रे जंगल में? अरे दो बेरा देते साहब। फोटे झूठ बोल रहे साहब, जंगली मुर्गी है इसमें, समझाना बिसान बहुत अच्छा रहता है इसका। जंगली मुर्गी है, जरा मैं भी तो देखूं कैसी है वो मुर्गी। मैं दिया तो 500 रुपए दे दे। सब ये ले लो ना सब, और हमको जाने दो सब। पहले चीज तो बताओ क्या है रे उसमें? इसमें काला नाग है साहब, नाग पंचमी है ना साहब, उसके वास्ते लेके जा रहे साहब। नाग पंचमी को बहुत टाइम है ना रे, अभी इन्हें रोज कैलेंडर देखते ऐसा है। नाग देवता को कहां ले जा रहे हैं तुम लोग? सब जब से आपको पैसे दे रहे हैं आप पैसा भी नहीं सुन रहे। अरे इन्हें ऐसा नहीं सुनता रे। ये सोरा खाला की भौ को दे देना। अच्छी बात है। रेडी रेडी। और ये सोरा खाला को दे देना। अच्छी बात। दोनों सासा माँ लड़ लेते रहते हैं, रोजाना आते रहते। अच्छी बात है, दे देता हूँ। दुकान बंद नहीं होती। अच्छी बात है। अरे तुम लोग आ श्याम बाबा ला लिए। क्या लाए? सांप। सांप नाग काला काला नाग।
क्या उठा के लेके आई है? अरे हिजड़ा है ना, क्या आप सांपों में भी पांडवा रहते? बिल्कुल रहते, नर रहती मादा रहता हिजड़े भी रहते। फिर इसका क्या करना बाबा? जहाँ से लेके आए वहाँ पे छोड़ के आओ। बाबा ऐसा छोड़ गया बोल के, अरे बाबा अपना कितनी मेहनत करे बाबा, पहाड़ा चढ़े जंगला चढ़े कांटा चुप गया पैर में मेरे, दुनिया की मुसीबत हो गई बाबा, इतनी आसानी से बोले सांप हिजड़ा है बोल के बोले बाबा तू हम लोग। अरे पांव सीधा रख रहे, तेरा पीठ गिरना पूरा इधर। कितना भी रही इसके वास्ते जंगलों में, अरे कहीं आईडी पने में उठा के कचरा कुंडी में या इधर उधर नाले में फेंक देंगे, अगर किसी के हाथ से मरूर गया तो इसका अजाब सिर्फ तुम्हारे सर पे आएगा। बाबा आप ऐसा लाइट लेके बोल रहे, उस कुवार से यहाँ तक लाने में 5,000 रुपए खर्चा हुआ, हम लोग फिर वैसे गए ना, हम लोग जेल में डाल लेते। अब वो कुछ भी करो क्या भी करो, ये मुसीबत को अपने गले में डाल के फिरो। डालते क्यों बाबा, इसका सर यहाँ ही कुचल देते। बाबा इसको यहाँ तक लाने के वजह से हमारा हमारे हाथ में आगे कलेजा, अब हम लोग से कुछ भी ना होता, तुम भी इसके बारे में कुछ भी करो बाबा। अब मैं करना बोले तो मैच लेके जाके जंगल को छोड़ना, 5,000 का खर्चा आता। 5,000 खाली 5,000 और कुछ भी बढ़ा देना था ऊपर। जैसा तुम लोगों को जंगल में जाने जान को खतरा है ना, वैसे दूसरे लोगों को भी जंगल में जाने जान को खतरा रहता। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है बाबा, वो जंगली आदमी हमारे पास के पूरे पैसे खींच लिया। अरे इसको 5 मिनट में अंडा पिलाना पड़ रहा। पैसे नहीं है ना? हाउ वो अंगोटी रखा दियो, जब पैसे आएंगे वापिस लेके चले जाना। अरे हल्लू कर रहे, उंगली टूट जाती। मोम की उंगली है तेरी। अब पैसे कब आते कि क्या है कि नहीं मालूम, फिलहाल ये अंगोटी से काम चला लो, किसमें पहन लेते पहन। हाँ। सांप का फार्मूला तो फेल हो गया, अब कोई दूसरा फार्मूला है तो बताओ। दूसरा 21 नाखून की तामेल ला सकते। बाबा क्या 21 नाखून की तामेल से क्या बिरयानी बनाते आप? उसकी भी बिरयानी बनती क्या रे? बिरयानी नहीं बनती, तुम्हारी दाल रोटी के चक्कर से तुम आजाद होते। बाबा शाह बाबा, उसमें भी नर मादा होने की कुछ गुंजाइश है क्या? अरे नहीं यारो, 3 महीने से मेरा खाली दिमाग खराब कर रहे, एक शिकार लाए वो भी हिजड़ा। आप इसको आप ही संभालो बाबा, देसी अंडा 15 रुपए में है, दिन में 10-12 पी लेना। सुनो 21 नाखून की तांबेल पूरे नाखून गिन के लाना। अरे मुनीर तू सांप को पकड़ने के बाद देखता नहीं उन्हें हिजड़ा है या मर्द है? देख रहे बाप, एक बात बोलता हूँ, आदमी को समझ सकते हैं उसकी चाल ढाल देख के उन्हें हिजड़ा है या मर्द, अब सांप की चाल ढाल देख के कैसा समझ रहा उन्हें हिजड़ा है या मर्द? तेरे जी में गन्ना। अरे सांप अगर ऐसा ऐसा चलाना तो समझना हिजड़ा है, अगर ऐसा चलाना तो समझना मर्द है। अब 21 नाखून की तामिल कहाँ मिलेंगी रे? एक काम करेंगे, ऋतिक रोशन को भी 21 नाखून है जाके उससे पूछ लेंगे। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, जानवरों की बात कर रहा हूँ। जो इंसान को 21 नाखून की तांबेल मिली, काला संबोला मिला, दोमु का सांप मिल गया, डबल इंजन बोलते कहते उसको, उन्हें रातों रात करोड़पति बन गया कहते। अरे हाँ बाप, मैं सुना नोटों की बारिश भी होती कहते। अच्छा सुना ही नहीं भैरव। बाप मैं तो बोल रहा हूँ बाबा की बात सुन के आज आजमा लेते, चल रहे भाई जाएंगे। हेलो शाबास। हाँ इना, मैं भी शिकार पे हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और हाँ दुआ करो 21 नाखून की तांबेल मिल जाओ बोल के। 21 नाखून की तांबेल है क्या? आखिर तुम्हारा यह किस्सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा किस्सा है, ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ, ओके बाय। ये 21 नाखून की तांबेल मिलती नहीं, वो बोलते नहीं, बकरा करता नहीं हिस्से बढ़ते नहीं बोले, ऐसा हिसाब है। वहाँ तालाब में देखे, वो कुंटे में देखे, जंगल पूरा फिर लेते हैं। अरे भाई वो तांबेल मिलती नहीं, चलेंगे चलो। अरे रे भाई मिली तो मिली, नहीं मिली तो जान दे रे भाई, हर जगह देखे, तालाब में देख लेंगे लास्ट बार, नहीं मिली तो बाबा को जाके बोल देंगे बाबा नहीं मिल रही। इसके चक्कर में मेरे को बैगन में मिला दिया रे तुम लोग। अच्छा घर में पड़े हुआ था, अब बाबा से भी लड़ लिया, अब क्या करूँ रे बीच में। फिर बाबा बाबा कौन बोले? बाबा तुम्हारे देते कहते, थुल्लू तुम्हारे बाबा का। अब मैं क्या बोलूं, वो बाबा झुंगुर खटमल कुछ भी लाओ वो तो लाते थे। अम्मा, अम्मा।
क्या हुआ? ला लिए। क्या ला लिए? वही 21 लाखों वाली तांबेल। वो 21 लाखों की तांबेल के पास से जंगलों में ढूंढे, तालाबों में ढूंढे और कुंटों में ढूंढे, वो 21 लाखों की तांबेल हम लोग नहीं मिले बाबा। वो नहीं मिली तो अब पैसे भी नहीं मिलते। बाबा अब कोई गुंजाइश नहीं है बाबा। तुम चोरी तो भी करो, डाका तो भी डालो, कुछ भी करो, क्या भी करो, मगर हम लोग को पैसे वाले बना दो बाबा। अरे क्या दिमाग खराब है? क्या मैं तुम लोगों को कोई डाकू दिख रहा हूँ या कोई चोर दिख रहा हूँ या जादूगर हूँ या मेरे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है जो ऐसा घसूंगा तो पैसे आएंगे? सूरत तो वैसे दिख रही। चलो निकलो। ये नींबू लग जाए के अचार डाल ले। अरे सदखे का नींबू है। अरे आमिर, अरे मुनीर, तुम लोगों को बोला रहे बाबाओं के चक्कर में नको पड़ो रहे बोलते, तुम लोग सुने नहीं रहे, पढ़े सो पढ़े, मेरे को भी इन लोगों के चक्कर में पड़ा के पूरा दिमाग खराब कर दिया रहे मेरा तुम लोग। अरे तू हिम्मत नको हार बाप, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, कुछ ना कुछ रास्ता ऊपर वाला निकालता अपने वास्ते, टेंशन नको ले, चल। अल्लाह है तो ये बाबाया कहीं कुरे। अरे क्या रे भाई, ये तेरे चोर बाबा के मशवरे से अच्छा तो एक बैंक लूट लेना था, कम से कम सक्सेस तो आते थे। स्पीकर, ये अन्ना का फोन आ रहा मेरे को, सुन। हेलो, हेलो ओल्ड सिटी के पहलवान। क्या रे अन्ना, तेरे पास आमिर और मुनीर का नंबर है ना, तू बात करेगी मेरे को कहीं फोन कर रहा? तू कहीं को घुस घुस के आ रहा था उन लोगों के बीच में, फिर मैं दे तू भाई एक महीने में पैसे बोल के बोला, तू एक रुपया तो भी दिया मेरे को, मैं तेरे को अच्छा समझा दे रहा हूं, मेरे को सब। इधर ला एक मिनट अन्ना, हाथ में दे दूंगा गन्ना, ले होना मेरे को। अरे यारो कई को फोन करके मासूम बच्चों की फाड़ है तुम। मासूम बच्चे? अरे यारो अन्ना, 30 दिन में 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसा होगा अन्ना? लेते होगा नहीं मालूम है, तुम लोगों को कैसा देते बोल के, अच्छा खा पी के आपको हाथ पोछ लिए सुकून से लेटे होंगे। अरे यारो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, शहबाज की 5 महीने के बाद शादी है, उसके ससुराल जहेज में खेती बाड़ी की जमीन दे तुम बोला, गाड़ी दे तुम बोला, खेती बाड़ी की जमीन तुम्हारे नाम पे कर देंगे, तुम अनाज उगा के तुम्हारे पैसे उससे उसूल कर लो। रे बंदर को नाचना सिखा रहा है तू? अरे तेरे को कुछ भी नहीं मालूम बुड्ढे के बारे में, पूरे सब कुछ मेरे पास रहन रखा हुआ है, तू जो घर में रहना देगा वो भी मेरे पास रहन रखा हुआ है, घोड़ों की रेस में और सट्टे में सत्यानाश हो गया बुड्ढा, अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है मेरे अड्डे पे आके तुम लोग बिल्कुल देख ले सकते। अब फोन रख। क्या रे मुनीर, इन्हें तो अपने ससुरे की फिल्म बना रहा सर का दिख रहा। तू टेंशन नको ले शहबाज, अन्ना की फिल्म अपन ऐसी बनाएंगे और फिल्म बना के जल्दी गोलरी में रिलीज कर देंगे, तू टेंशन नको ले। क्या बोरा पटे? सही बोरा रे तू, उन्हें अपने लोगों को सबको डरा रहा, मगर अपना भी एक उसूल है, झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचा के ही रहते, चल के देखेंगे उन्हें सही बोल रहा या झूठ बोल रहा। चलो तुम ना पानी नहा के निकलो। अरे साले तीनों आते बोल के बोले, अभी तक कहीं को नहीं आए। ये राजन के बाबा की साइकिल दिख रही है, अपन के ट्रायल मार गए। अरे आगे रखोगे तीनों? अरे रख रहे भाई, ये राजन का है। अरे राजन देख लिया। मेरे तीन अनमोल रतन आमिर मुनीर शहबाज, कई के मट्टी के तीन अनमोल रतन राजन भाई, दो कौड़ी की औकात नहीं है हमारी। अरे औकात की क्या बात कर रहे मियां, किस्मत तो हमारी ऐसे लिखा के लाना पड़ता। सही बात है। अरे कई की किस्मत राजन भाई, दुनिया के हालात हमारे बुरे हैं, आपको नहीं मालूम राजन भाई, अब आमिर की बहन की शादी है, फिर 6 महीने के बाद शहबाज की शादी है, दुनिया के हमारे टेंशन है, पेट देखो मेरा कितना अंदर होगा, बैठे तो बैठे नहीं सर का दिख रहा, खड़े तो खड़े सर का नहीं दिख रहा, खाए तो खाए सर का नहीं दिख रहा, कैसा कैसा की हो रहा राजन भाई, उसके ऊपर से आप हमारे को इतनी टेंशन देते राजन भाई, ये मासूम बच्चों की सूरत पे आपको तरस दिया राजन भाई। पहले ये बोलो तुम लगा, आमिर की बहन की शादी शहबाज के साथ हो रही, फिर नवाब साहब की बेटी का चक्कर किसके साथ चल रहा है? अरे अन्ना, मेरी बहन की शादी तो दूसरी जगह हो रही, नवाब साहब की बेटी का चक्कर तो हमारे शहबाज के साथ चल रहा ना। पहले इसको उठा। अरे उठ रहे भाई, वो खतना की सीट है, इधर आजा। अच्छा अन्ना की है। अरे नवाब साहब आ गए, तुम लोग जल्दी चले जाओ अंदर जाके छुप जाओ। चलो चलो मोटा है तू, आगे चल। चलो चलो जल्दी चलो। अन्ना मुंह पे से हाथ निकाल। आइए नवाब साहब आइए, सलाम अलैकुम, आइए आइए बैठिए।
कहिए कैसा आना हुआ? राजा नन्ना, तुमको तो मालूम है कि जब कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है उसी वक्त तो तुम्हारे पास आता हूँ, और आज मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्यों, रेस खेलने क्या आज भी? अरे हाँ हाँ, ठीक पहचाना तुमने, आज कोई मामूली रेस नहीं, डर्बी है डर्बी। देखो शेबस। नवाब साहब, इससे पहले भी आप डर्बी के रेस बहुत खेल चुके हैं, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ आपका। लेकिन इस बार देखना, अगर मैं ये डर्बी जीत जाऊं, सुना, तो तुम्हारा पुराना पूरा कर्जा अदा कर दूंगा। हाँ? खैर आपकी मर्जी नवाब साहब, मैंने कभी कर्जा देने से इनकार किया? मैं चाहता तो आपका घर, गाड़ी, बंगला, सारी प्रॉपर्टी कब्जा करता था, क्यों ना करा? क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। राजनन्ना, तुम्हारा सारा कर्ज मैं कभी के अदा कर दिया होता, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटियां अच्छी नहीं निकली। हा? बस कर्ज का बेटियों से क्या ताल्लुक है? अब देखो, बड़ी लड़की जो है ना, वो एक आवारा लुच्चे लड़के के साथ शादी करके उसके साथ घर में पड़ी हुई है, लेकिन दूसरी लड़की के लिए एक जागीरदार साहब का पयाम आया है, वो भी वो इन बल्ली के जागीरदार। उनकी उम्र मेरी उम्र से थोड़ी बड़ी है, लेकिन जागीर तो है। तो आप आपकी बेटी की शादी एक बुड्ढे से करना चाहते? अब सोचा था खानदान की नाक बचाने के लिए ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन छोटी लड़की भी किसी आवारा लड़के के साथ दिल लगा बैठी है। देख रहे देख। वैसे आज के दौर में मैं भी किसी नवाब, किसी जागीरदार से कम नहीं हूं, और उम्र में भी आपकी बेटी से ज्यादा नहीं हूं, बस थोड़ा सा। वैसे नवाब साहब, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? नवाब साहब, आज तो मजाक कर रहा था, आप गुस्से में बताइए। ले लीजिए पैसे, आप दिल लगा के रेस के लिए, आपको कुछ पैसे होना तो मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब नवाब साहब, बुड्ढा हमेशा आराम मार के चले आ रहा। चलो रे, चलो चलो, देखेंगे इसको। रे अन्ना, एक भी अल्फाज निकाला ना तो तेरी जबान खींच लेता हूँ। पकड़ो इसको। अम्मा, राजन छोड़ दे, बोल रहा हूँ, वरना तेरा सर पर चुरा करूंगा। अन्ना, छोटा बच्चा है ना, इस बार छोड़ दो ना उसको। उन्हें बच्चा देख रहा तेरे को, उसकी हालत देख। अन्ना, ये लास्ट गोल्डन चांस है ना राजन, हिलने की कोशिश करा ना अन्ना, तो तेरे को डाल देता हूँ। अन्ना, ये हाथ निकाल के तुम्हारे जेब में डाल। नवाब के बेटी को बोले तो खामोश चले गया, कुछ भी नहीं बोला मेरे। तेरे कहीं कुछ लूट रही? वो तो कह रहे राजन, तेरा मेरा दिमाग खराब नहीं करना। रे, पीछे आ आमिर, कोई भी सामने नहीं आना। हट, कितनी तनख्वाह ले रहे उतना इस काम करो। तेरे को राजन बोलते होंगे, मेरे को भाईजान बोलते हो। अरे राजन, रख ले तेरा गन, चलो गाड़ी निकल, भाग रे, बैठ चढ़ा तेरा। अन्ना, मैं बोलना ही भूल गया, उसमें गोलियां ही नहीं थे। क्या हुआ ना? करे तो नहीं होता, पहले सोने की दांत निकाल के चांदर के पास जाके दांत डला ले। अच्छा, और एक काम कर, ये गोलियां है ना, अच्छा, लगा ले। क्या अन्ना ऐसा बोल रही? अरे यतीम बच्चे, तुम अकल से भी यतीम हो गए रे, अब राजन से दुश्मनी मोड़ लेके कौन सी बिल में छुपते रे बाबा? ए, मैं कोई चूहा नहीं हूँ, जाके बिल में छुपू। सही बोल रहा, तू चूहा नहीं है, शेर है। मगर एक बात याद रख, जब जंगली कुत्ते काटने के ऐसे पीछे पड़ते ना, तो शेर को भी अपनी बिल में घुस जाना पड़ता। क्या रे, तुम लोग मैं क्यों जब्बल है, जब डराने की बात करते रहते। देख बाप, शेबस, आज मेरी बीवी है, कल मैं बच्चे वाला हो जाता हूँ, ये मेरे को पुलिस, ये गुंडे, ये सब लोग को बाबा। देख, तू बोला ना मेरी साली से शादी कर दो बोल के, कर ले रे बाबा, ये चक्करों में नको जा बाप, मेरी बीवी को मैं बहुत चाहता हूँ, देख क्या। अरे तू आ रहा तो आ जा, देख आमिर, तू इसकी चक्कर मेरे तो मर जाएगा, देख दोस्त टेबल के बोलो, देख बाप आ जा तू, शबाना सच्चा दूल्हा दिख रहा मेरे। अरे जा रे जी फट्टू, मेरे को मेरे दोस्त की दोस्ती प्यारी है, मैं भी इसके साथ जिम को जाने वाला हूँ डेली। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। राजन को कितने लौंडों के साथ आता कि ये पेंट हाउस के सीढ़ियां चढ़ के बता दो, बोल उसको। शायरों को चने बढ़ाने की दुकान समझ ले गया, बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब। सुना, बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, बदलते जमाने का रंग देखते। हो गया, अब आगे सुन।
मंजिल मिलेगी मुझको इसका मुझे यकीन है। बहुत बेगरता दिख रहा है इन्हें। मंजिल मिलेगी मुझको इसका मुझे यकीन है, खुद हार मुझसे झुककर जीने की पनाह। बोला हो क्या रे, हाँ खाली खा रहा सो रहा हाँ। मंजिल मिलती कहते हो, उसके वास्ते हाथ पांव हलाना पड़ता। चल जा, जब कहीं जाके मंजिल मिलती, चल जाके वहाँ सो। डांस प्रैक्टिस करना है मेरे को। माइकल को क्या समझ ले रहे कि लोग आजकल। क्यों नहीं, लेकिन खजाने का कैश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम 6 महीने में ये सब कैसे करोगे? अब्बू की शर्त मान ली मैंने, लेकिन उनकी शर्त पूरी नहीं की तो मेरा निकाह किसी और से करा देंगे। हर चीज नहीं हो सकता, हम उससे पहले तुम्हारी बाजी और भाईजान की तरह भागकर शादी कर लेंगे। ये बात तुमको नहीं बताना चाहता था, फिर भी ये बात कह के अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। तुम्हारे अब्बू बहुत सारा पैसा राजा नन्ना से लेके रेस के जुए में हार चुके हैं। तुम्हारा घर और पूरी प्रॉपर्टी अन्ना के पास रहने, अब वो सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नहीं हिना, ये सब सच है। तुम्हारे अब्बू सीना तान कर सारी दुनिया के सामने झूठा दिखावा दिखा रहे हैं। एक दिन उनका सर जमीन पे झुक जाएगा। सही बोल रहे हो तुम, इस पे तो छत भी नहीं है। शादी के बाद हिना को लेकर यहाँ रहना चाहते हो? कुछ भी नहीं है मेरे पास, शादी तक तो मैं छत वाला मकान ले ही लूंगा। जो मजाक खुले में है वो बंद में नहीं। क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस। पागल हो गए या फिर प्यार में अंधी हो गई? आखिर क्या नजर आ रहा तुझे शहबाज में? ये दिल का मामला है, नजर का नहीं। ये तो गए काम से। चाय चलेगी या कॉफी? प्यार से जो मिल जाए वही काफी है। अरे माइकल, जाके मलाई मार के 3 चाय लेकर आ। मलाई मार के अब भी लाया। अन्ना, अन्ना, वो अन्ना। क्या बारे? आमिर और शहबाज का कोई पता नहीं चल रहा अन्ना, आप बोले तो मुनीर को उठा के ला लूं क्या? अरे मुनीर को उठाने से अपना कुछ भी फायदा नहीं है रे। अन्ना वैसे भी लगा अपनी नाक में भोजन करे हुए, अगर आप बोले तो उठा लेंगे लोगों को। सही जा रहा तू? अपने दिमाग में खतरनाक प्लान आ रहा। रे मेरा फोन दे रे। हेलो अन्ना। हेलो नवाब साहब। हाँ मैं राजन अन्ना बोल रहा हूँ। अरे राजन अन्ना, तुम ऐसे बेवक्त कैसे फोन किया? नवाब साहब। हाँ हाँ बोलो राजन अन्ना। मेरे को 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे हो जाना। 2 दिन के अंदर में इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा मैं? काली लेते जा रहे, देने का नहीं मालूम तुम्हारे को? मेरे को सब नहीं मालूम। 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे को नहीं आए ना, तुम्हारी इज्जत को बाजार में लेके जाके लीलाम कर दूंगा। समझ गए ना नवाब साहब? हाँ, समझ गया राजन भाई। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो। क्या करूं मैं, इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं मैं? ऐसा लगता है मुझे अपनी बेटी की शादी
उसी जागीरदार के साथ करनी ही पड़ेगी। अब आएगा मजा। हिना चलो बेटा, आज तुम्हारा निकाह है, तैयार हो जाओ। मेरा निकाह किसके साथ? आज तुम्हारे अब्बू का मकसद पूरा हो गया। कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, ये अंकल कौन है? इन्हीं से तुम्हारा निकाह है बेटी, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह है। इसका मतलब शहबाज बिल्कुल सही कह रहे थे। आज के बाद शहबाज के बारे में नहीं, तुम्हें अपने खानदान के वखार और इज्जत के बारे में सोचना है, समझी? और अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, समझी? चलो बाहर, तुम भी निकलो, घर के बाहर निकलना बंद तुम्हारा। आज के बाद तुम इसी कमरे में कैद रहोगी, समझी? खबरदार, अगर मेरी इजाजत के बगैर किसी ने दरवाजा खोला तो जाओ। अबू, अम्मी, अबू, अम्मी। बाजी, तुमने भी तो मोहब्बत की थी, फिर मेरी जिंदगी तबाह होते हुए क्यों देख रही हो? आप चाहती हो मैं अबू से बड़ी उम्र के आदमी से शादी करके उसकी बीवी बन के अपनी जिंदगी तबाह कर लूं और वक्त से पहले बेवा हो जाऊं? अब की इज्जत के वास्ते ये कफन पहन ले। क्यों पहन लूं मैं ये कफन? जुए में अपनी आन बान और शान हारते हुए उन्हें हमारी जिम्मेदारियों का जरा भी ख्याल नहीं आया। हिना, तुम तो जानती हो अबू कैसे, उनकी जिद और अना के बारे में तुम्हें पता है ना। हमें उनकी गलतियों पर पर्दा डालना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम एक काम करो, शहबाज को फोन करो। हाँ, शहबाज को फोन करो, उसे बुला यहाँ पर। ये ठीक है। हेलो, हेलो शहबाज। अब वो अपने से बड़ी उम्र के आदमी से मेरा निकाह कर रहे हैं। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। हेलो राजन अन्ना। हाँ। तुम अपने ज्ञान के साथ फौरन यहाँ चले आओ। दो मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा शहबाज मेरे को अकेला छोड़ के? दोस्त, हिना की जान खतरे में, मैं उसकी जान बचाने जा रहा हूँ। शहबाज, मेरी सूरत गौर से देख, बेवकूफ दिख रही क्या? यानी मेरी पिशानी पे पागल लिखे हुआ है। क्यों, क्या हुआ रे? दोस्त भी बोल रहा और दोस्त को अकेला छोड़ के भी जा रहा, तेरी जान जोखिम में डालने के वास्ते। मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से तेरी जान खतरे में आए। बिना तेरे मैं जिंदा रह के क्या कर तू रे भाई? तेरे को याद है तू दोस्ती करते खुद क्या वादा करा था? साथ जिएंगे साथ मरेंगे बोला था, फिर तू मेरे को अकेला छोड़ के कैसा जा सकता तू? मैं भी चल, तू चल तेरे साथ, चल। चल, चल। शहबाज, तू जाके हिना को लेके आ, मैं गाड़ी रेडी करके जा, ऊपर से जा। चाबी निकाल लेना, कोई भी मार दिया तो। हिना, शहबाज, चलो चलते। शहबाज, चलो मेरे साथ, रो मत हिना, रो मत, मैं हूं ना। शहबाज, अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? ऐसा गुंडों को बुलाना, ये सब करना, तो ऐसे में बच्ची की शादी कैसा होगी? ये हमारी और अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए ही तो इन्हें बुला रखा है। ये आखिर में नवाब अशफाक अली खान के खानदान के विखार और इज्जत का सवाल है। रे, रे। दूर हटो रे तुम लोग, रे उड़ा दूंगा नहीं तो। हट,
दूरट। हिना चलो। अरे अरे शमस, अपना पुराना सुन ले, सीधा निशाना लगाए तो गब्बर पे लगाओ। इस घर के गब्बर तो आप हो ना नवाब साहब, ये बात तो राजन अन्ना अच्छी तरह जानता है। अन्ना शादी क्या तो ये प्रॉपर्टी तेरी नहीं होगी, ससुर जी जिंदा रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी तेरी होगी। मरने वाले का अंगूठा ना दस्तखत कुछ काम में नहीं आएंगे। चलो अन्ना पकड़ रे, पकड़ो उसको, चलो रे चलो बिना तू चल गाड़ी के पास, हम ना आ रहे। कोने रे नहीं, एक को देख के उछल रहे, यार खान आ गया। तेरे को मारने की जरूरत नहीं है रे। बोलते जबर मेरे बड़े भाई, तू अट्टा कट्टा है मेरे गैंग में शामिल हो जा बोल के। तेको बोला था ना शेर की सवारी करने के खाबा नको देख, वरना एक दिन शेर के जबड़ों में जाता। समझा क्या? गन है ये, बोले रे घोड़ा, और ये ले तेरा पिस्तौल। राजन हमने भी पैंट ब्लॉक पर बहुत सारे पिस्तौल चलाए हैं, समझा ना? अब्बा राजन, राजन अन्ना मेरे को छोड़ दो अन्ना, अन्ना बोला दोनों है ना दामाद आओ। कुछ भी नहीं, तू चल, तू चल, चल बस तू आ जा। साले पेन देख के राजन से मजाक करता है, ये पेन लेके गाँव में घुसा ले। बेटे शेबाज, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं अभी इनको फोन करती हूँ। हेलो हेलो, कहाँ है आप? रास्ते में हूँ, क्यों क्या हुआ? देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ? लगता है शहबाज को कुछ हो गया, हम जल्दी आइए। मैं भी आ रहा। शहबाज आ जल्दी आ, निकाल गाड़ी निकाल। आओ जल्दी आ जाएंगे अल्लाह बच्चे, जल्दी आओ। चलिए जख्मी शेर बुला रहा। अरे क्या हुआ राजन, मैं लोग पैसे छोड़ देते तुम। अरे हैसो दांत अभी तोड़ लो बोरा क्या रे भाई।
अरे मैं आता तो तुम्हारी पत्ती सी टूट जाती थी। क्या बात कर रहा? जो है वो बोल रहा हूँ। राम साहब। राजन। क्या? चल। चल। चलो चलो चलो। ए जल्दी जल्दी दारा डीजल। अब से दारा। उस्ताद 10,000 की जरूरत है उस्ताद। पैसा 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 ऐसा कैसा पैसा रे भरे तो ले जाता कैसा। अरे ये लोग अभी काम कर रहे हैं, ये लोग मांगते रहे पैसा। जब देखो जब पैसा पैसा मांगते रहता। ए तुम लोगों का क्या हो रहा है? कलेक्शन को गए कैसा? ए जल्दी जल्दी कर रहे स्टार्ट। राजन नाम के गुंडे ने हमको गोली मार दी और ये प्लेस पे आते हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम लोगों को तुम फरिश्तों के साथ मिल गए साहब। मैं हूँ ना, फिकर मत करो, मेरा नाम रोद्रा है, ये पूरा एरिया मेरा है। चलो मैं अभी तुम लोग को ट्रीटमेंट देता हूँ। थी हिना के घर की कहानी। समझ गया, पूरी कहानी समझ गया हूँ। ये रेस और जुआ कौन सी ऐसी चीज है कि हर कोई बर्बाद हो जाता है इसमें, पूरे खानदान को दांव पे लगा देता। लेकिन तुम्हारी कहानी ऐसी है, अफसोस की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। इतने बड़े नवाब होने के बावजूद परेशान कर दिया है। मैं तुम्हारे अब्बा से मिलूंगा, जरूर बात करूंगा। तुम लोग फिकर मत करो, तुम लोग जब तक मेरे पास हो बिल्कुल फिकर मत करो, एंजॉय करो एकदम सेफ, कोई चीज की कमी नहीं रखूंगा तुम लोग। चलो मैं जाता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? हमारे कोई रिश्तेदार जहाँ पे तुम महफूज रह सको। रिश्तेदार? क्यों, किस लिए रिश्तेदार? तुम मुझे अपनी बीवी नहीं बनाओगे? बनाऊंगा, मगर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? इंतजार कराना था तो भगा के क्यों लाए? सिर्फ तुम्हें गलत हाथों से बचाने के लिए इधर लाया। मेरे अम्मी और अब्बू से मिलके बात करनी पड़ेगी। अम्मी अब्बू? किसके अम्मी अब्बू? अरे बाबा मेरे अम्मी अब्बू। तुमने कभी बताया नहीं है उनके बारे में? तुम्हारे भी अम्मी अब्बू है और वो मामू नकली है। अब चलकर अपन आराम करेंगे, कल सुबह तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कैसी मनमानी जो चाह कर डाला।
की मनमानी जो चाहा कर डाला। दीवानी जवानी हुई तेरे प्यार में, दीवानी जवानी हुई तेरे प्यार में, कितनी परेशानी हुई तेरे प्यार में, दुनिया की बदनामी हुई तेरे प्यार में, कितनी परेशानी हुई तेरे प्यार में। कैसी थी वो रातें अपनी मुलाकातें, जानू तेरी बाहें सैया मेरी आहें, जब देखो मनमानी हुई तेरे प्यार में, जब देखो मनमानी हुई तेरे प्यार में, कितनी परेशानी हुई तेरे प्यार में। जग वालों की बातें, घर वालों के ताने, सबने है सुनाया अपने या बेगाने, जग वालों की बातें, घर वालों के ताने, सबने है सुनाया अपने या बेगाने, हर दिन एक कहानी हुई तेरे प्यार में, हर दिन एक कहानी हुई तेरे प्यार में, कितनी परेशानी हुई तेरे प्यार में। दुनिया की बदनामी, दुनिया की बदनामी, दुनिया की बदनामी। बहुत उदास दिख रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? सोच रहे हैं जिंदगी हमें किस मोड़ पर लेकर आई। तुम जिस मोड़ पे ठहरे हो वहां से सीधा रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और तुमने बताया नहीं आपके अब्बू का नाम क्या है? आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। सिटी हाइट रियल एस्टेट के ओनर जकी खान वल्त वली खान। जकी खान के बेटे हो तुम? जी। अरे वो तो मेरा पुराना दोस्त है, फोन लगाओ जल्दी। जी हमारे फोन बंद है। क्यों? जिमी फोन दे, नंबर मिला के बात करो। हेलो। हेलो जकी। हाँ कौन? अरे मैं रोजरा बात कर रहा हूँ यार। रोजरा? अरे यार कैसा है तू? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, तू कैसा है? अरे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भले ये बोल तू अचानक गायब कहाँ हो गया? मेरा छोड़ यार, तू मिलेगा तो बताऊंगा ना मैं। कब मिलेंगे? एक काम कर, फौरन जो है तो तू हिमासागर डैम पे आ जा, वही अपना अड्डा है ना पुराना SS मशीन, बस वहाँ पे आ जा तू जल्दी। चल मैं आ रहा हूँ। ओके। तेरे भाभी को भी साथ में लेकर आ रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा, चल। ठीक है। तुम बेफिक्र हो बेटे, मैं बात करता हूँ। और तुम अपने अब्बू की याद सता रही है तुमको? लियो तुम भी बात करो। मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। हेलो। हेलो। मैं राजन अन्ना बोल रहा हूँ। कौन? कौन? हेलो। कौन है रे? मैं रुद्रा बात कर रहा हूँ। रुद्रा? कौन रुद्रा? किससे बात करना है तेरे को? नवाब को फोन दे। ओहो, तेरे को नवाब से बात करना है? अब मेरे को मालूम पड़ा ये तीनों तेरे कब्जे में हैं। वो तीनों को मेरे हवाले कर दे,
नहीं तो मेरे साथ दुश्मनी तेरे को महंगी पड़ेगी रुद्रा। अगर तू मर्द का बच्चा है तो आज्ञा डैम पे ले जा रहे, चल मैं तुझे अपना पता बताता हूँ। बोल रहे हिमा सागर डैम SSC क्रेचर मिशन, वहाँ आके ले जा। अगर हिम्मत है तेरे कने तो आ जा। रुद्रा रुद्रा बोलते मेरे को। अरे रुद्रा साले तेरे को आज सुधरा दे तू, मैं राजन बोलते मेरे को समझा। नवाब की पूरी खानदान को 2 मिनट में वहाँ पे ले लेके आ रहा हूँ। ठहर साले तेरे को आके बताऊंगा राजन अन्ना क्या है। रुक रे गाड़ी रुक। रुद्रा कौन है रे? ए, रुद्रा मैं हूँ रे। अच्छा रुद्रा तू ही है? आज खत्म है राजन। राजन राजन अन्ना बोलते मेरे को। अन्ना रब बिगड़े जड़ से उखड़े, दुनिया बिगड़े पालना उखड़े। रुद्रा बोलते रे। अरे रुद्रा या बुद्रा चैलेंज कराता ना मेरे साथ, मर्द का बच्चा है बोल के ले रहे। मैं आ गया इधर। इसकी जगह यहाँ है। अरे नवाब साहब क्या तुम इतना तमाशा ही चाहिए? ये मासूम बच्चों पे गोली चला था ना तू, ले अब चला के बता। ए रुद्रा तेरे को नहीं मालूम इल्ला मेरे पैसे लिए रे भाई, तू खामा खा मेरे को मार दे रहा। अरे तेरे मेरे बीच में कुछ भी नहीं है बड़े भाई। रुद्रा अन्ना आप कुछ भी गलत तत्व समझो भाई, इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, खामोश ले लेके चले आ तुम। अरे डर भाई कहीं को मारा तू, उन्हें पैसे दे रहे मेरे कहीं को मारा तू। अरे आई मारो इसको। रुको मैं भी आया। अरे आमिर आ। उस्ताद तुम राजन को संभालो, इन लोगों को तो मैं। राजन तेरा हो गया भोजन, मार्केट में रुद्रा आने के बाद हर कोई सुधरा। अरे शेवास क्या तो भी खा रहे मेरे लोगों का ऐसा मार रहे। अरे ये रुद्रा कहीं को आ रहे भाई मेरे पास। अम्मा जाके बचो। एक काम करो अबू लोग वहाँ पर है, इसका काम है लड़ने का, लड़ता है। अरे मुनीर चलो तू हिना को संभाल, मैं लोगों को संभालता हूँ, अपना काम खाली चीज़ है। देना नहीं गाफ मुटा लेना नहीं, अयो बोले तो पापा मजा रहा आजकल। अरे खुर्शीद नमस्ते अन्ना। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है ना बड़े भाई, ना हम बड़े दुख बड़ा ना ते काल वक्त ना लिड़सा ही अन्ना। अरे राजन अन्ना बोरा धारा रे साले। अब कहाँ गया राजन अन्ना?
शहबाज तू फिकर न कर, बाकी के लोगों को मैं देख लेता हूँ। कितने जने आओ रे रे तो फल्ली खाए तो क्या मोटी होती मालूम है तेरे को? नहीं मालूम, गर्दन मोटी होती। वो देख तेरा राजा ना देख, ये मेरा शहबाज का, ये मुनीर का। धर्मेंद्र आराम से तोड़ दिया था शोले में। शहबाज, रुद्रा राजन की पुंगी बजा रहा, चल अपन भी जाएंगे। चल चल उठ। उस्ताद डाल दो। अच्छे के अच्छे गोली तेरे सीने में उतार सकता हूँ, लेकिन ये काम मेरा नहीं, ये पुलिस का काम। रुद्रा भाई मुझे माफ कर दो। रुद्रा भाई मुझे माफ कर दो। जी उस्ताद, पुलिस को फोन लगा। जी उस्ताद, माफ कर दो रुद्रा भाई। उस्ताद ये माफी के लायक नहीं है उस्ताद, अगर ये जिंदा रहेगा तो फिर लोगों पे जुल्म करेगा उस्ताद, इसको मार दो उस्ताद। उस्ताद मैं अगर मर गया तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला, मैं चीज को टपका डाल दूं। उस्ताद जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ए जिम्मी राजू। जी उस्ताद। इसको बन के डाल दो। जी। पुलिस आने तक भाग लेना पाए। जी उस्ताद। सांड हो गया ना रे तेरा। डैड मेरी बैड। हाँ? चलो आओ, वो देखो सान में रोत रहा है। अरे रोत्रा कैसा है यार? कैसा हो यार? बहुत अच्छा हो रोत्रा, तू भी तो चेंज नहीं हुआ है। तू भी तो नहीं बदला ना, जैसा का वैसी है। मगर रोत्रा इतना बड़ा कारोबार फैला कर रखा है, पूरा अपना ही छे। ये कौन? ये तूने क्या कर लिया? कैसा ये क्या हाल बना रखा है बेटे तूने? और ये हाथ पे तुम्हारे जख्म कैसा है? मैं रोत्रा ये शहबाज का डैड जकी खान। हेलो, नाइस टू मीट यू। ये शहबाज की मम्मी। मैं नवाब अशफाक अली खान। माफ कीजिएगा शहबाज को पहचानने में मुझे काफी देर लगी। वैसे ससुर जी आप जो शहबाज को पहचानने में गलती करें ना, ये आपके बड़े दामाद को पहचानने में आप गलती करें। मैं भी कोई मामली। हाँ मालूम है, उंगली कटा के शहीदों में जैन होने की कोशिश न को कर। जब दो बड़े बात करते हो नीचे ऊपर दो मुछले करो, उठा के लगा लो मुँह में अंगूठा। वो तेरा काम है, तू कर समझा। अंगूठा चूस। वो पब्लिक को मालूम है किसका काम। अब ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये एक ऊंचे खानदान का और आप जैसे रईस आदमी का बेटा है तो शायद मुझसे ये गलती न होती। मैंने मुनीर को अपने बड़े दामाद के तौर पर कबूल कर ही लिया है, इसमें शक नहीं। मुझे होश आने में थोड़ा देर लगी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि शहबाज को अपने छोटे दामाद के तौर पर कबूल करूँ। लेकिन क्या आप मेरी बेटी हिना को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे? नवाब साहब ये मेरी खुशनसीबी है, आप जैसे नवाब का समदावा मिला। और मैं ये भूल गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारी औलाद होती है। बेटी हिना इधर आओ। आज से यही तुम्हारे माँ बाप है। सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो चुकी है मेरे ख्याल से। अब शहबाज और हिना की शादी धूम धड़ाका से तैयारी करना शुरू करिए आप। और एक बात नवाब साहब, आपकी बहन फौजिया से मेरा कुछ Yes, rolling. Action. TSM Entertainment, production number 1, Easy Money. Good luck. Dialog. एक शहर में रह, एक बस्ती में रह के ऐसा लड़िए तो अच्छा रहता क्या? वो सब तेरे को नहीं मालूम, मेरे पैसे मेरे को ना। अरे अन्ना हम लोग दे देते तुम कहीं को ऐसा उताला फोड़ ले, दे देते बोल दिए ना। अन्ना क्या है कहीं को बन रहे ना, अपने बस्ती में सब देखे छे हम अपना दे देते किसी भी को ना। इजी मनी के लिए नको सोचो तुम लोग, हड्डी हड्डी आप पूरे छुरे कर देते तुम लोग।
अच्छी बात है, समझा? ये गांव में पानी आता है। पानी आ गया।